इस स्पिरिट के साथ इस शो को शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रियंका आपको पता है कि निखिल इतने हाई स्पिरिट्स में क्यों है? आज वो खुद मैच देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सीक्रेट ये है कि वो खुद टिकट लेके अपनी फैमिली के साथ मैच देखने जा रहे हैं, इसलिए वो कुछ खास स्पिरिट में है। हम सब तो ऑलरेडी है ही, बट मैं मैच नहीं देखने जा पा रहा हूँ, वो पता लगे। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली, इसका मतलब निकुंज हमें अच्छा खासा स्पिरिट का माहौल, कल किस तरह का माहौल था स्टेडियम में, किस तरह से लोग चीयर अप कर रहे थे, ये सारी बातें आप निकुंज से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे इनहाउस क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट के बहुत क्लोज फॉलोअर भी हमारे साथ हैं, अभिषेक जी। वो दिल्ली से बैठ के पैनी नजर वानखेड़े के ऊपर रखेंगे उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पे, और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर आप तो डेटा भी एनालाइज करते हैं, गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड अभिषेक, क्या लग रहा है इस बार चांसेस किसके हैं? अगर आप डेटा को देखें तो बेट किस पे लगाई जाए, अगर हम प्योर डेटा की बात करें? जी अजय, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी रहा है, लेकिन ये अतीत की बात है। मतलब कहीं ना कहीं इस मैच में नजर इस बात पर भी होगी कि 2019 के सेमीफाइनल में जो इंडिया को हार मिली थी 18 रन की, उसका बदला चुकाया जाए। तो ये मौका पूरा है, स्टेज सेट है, और लगातार 9 मैच जीतकर हम चुके सेमीफाइनल पहुंचे हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुकी सेमीफाइनल है, और राहुल द्रविड़ ने ये कहा भी है कि हम ये कुछ भी दावा करके नहीं चल रहे हैं कि अच्छा कौन जीतेगा, मैच खेलने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निगाहें होंगी कि किस तरह से परफॉर्मेंस निकल के आती है। लेकिन चूंकि वानखेड़े एक छोटा ग्राउंड है, तो वो टीम निश्चित तौर पर उसका पड़ा भारी रहेगा जो छक्के ज़्यादा मारेगी। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, इनका ये होम ग्राउंड है, तो उम्मीद करके चलेंगे कि छक्कों की आज बारिश वानखेड़े में देखने को मिलेगी। लेकिन एक सवाल अभी पूछा जा रहा था कि अच्छा कौन सा स्कोर सेफ है, तो मैंने खुद भी वानखेड़े में कई मैचेस देखे हैं और 400 के ऊपर के भी टारगेट्स वहां पर होते हुए मैंने देखे हैं। मतलब कि वहां 400 रन तक भी अगर कोई बना ले और कहे कि हम सेफ हैं, तो वो नहीं है। तो ऐसे में ट्रिक ये हो जाती है कि क्या आप पहले बॉलिंग लेंगे, बाद में चेज करना पसंद करेंगे, कि क्या आपको स्कोर का अंदाजा हो जाएगा? क्योंकि ये भी है कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो काफ़ी डीप है, मतलब कि मिचेल सेंटनर तक बैटिंग अच्छी करते हैं, अच्छे लंबे लंबे हिट्स मारते हैं। तो जो टीम बैटिंग में, तो खैर दोनों का दबदबा है ही, लेकिन बॉलिंग जो आज अच्छा करेगा निश्चित तौर पर पलड़ा उसका भारी होगा। और भारत को मैं कहूँ कि दो खिलाड़ी जिनसे थोड़ी सी संभल के रहने की ज़रूरत होगी, वो होंगे ट्रेंट बोल्ट, बहुत शानदार लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और दूसरे होंगे मिचेल सेंटनर जो कि स्पिनर हैं, और भारत को काफ़ी अपने वेरिएशन से, अपनी स्पीड से कई बार वो परेशान भी करते हैं। तो क्लैश बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम फॉर्म है। यह ऐसा पहली बार हो रहा है शायद वर्ल्ड कप के इतिहास में जब टीम इंडिया में आप एक भी प्लेयर को नहीं कह सकती कि आउट ऑफ फॉर्म है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, आप जो भी नाम उठा लीजिए, सभी फॉर्म में हैं। स्पिनर, फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, सिराज का हमने जलवा देखा है, तो बहुत ही कमाल का कॉन्टेस्ट होगा, इसकी आज पूरी की पूरी गारंटी है। क्या देखना होगा कि कितना कड़ा ये मुकाबला होता है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ तो इंडिया के पास है, लेकिन ठीक है, आप हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स टेबल पे ला रहे हैं, बिल्कुल शुक्रिया अभिषेक ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। बड़ा दिन है क्रिकेट फैंस के लिए, और इसलिए आज इंडियन मार्केट भी लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी को आप देखें, 250 वहां भी मैच चल रहा है, वहां भी बुल्स एंड बेयर के बीच काफी घमासान मैच चल रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी तेजी मिली है ग्लोबल मार्केट से भी, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होकर आया एक्सपेक्टेशन। एक बार चलिए चार बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं। इस वक्त बड़े ट्रिगर्स है क्या, तो बड़ी आपको तेजी दिख रही है। इनफैक्ट सिर्फ अक्टूबर से नवंबर अब तक का जो रनअप रहा है नैस्डैक इंडेक्स में कम से कम 10% का रहा है, और कल तो एक बड़ी शानदार तेजी रही क्योंकि इन्फ्लेशन वहां कूल ऑफ हो गया है। तो एक्सपेक्टेशन अब काफी ज्यादा बढ़ गई है रेट पॉज और रेट डिक्लाइन को लेकर, उसे आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन एमएससीआई में जो बदलाव होने हैं, कई सारे नए शेयर स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप में तो कई सारे नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं, पेटीएम जैसे और पॉलीकैप, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, इन पर चर्चा होगी कि कहां का ट्रेड बनता है। हालांकि ये हमने ट्रेड थोड़ा सा डिस्कस मंडे को भी किया था, लेकिन आज फर्दर फॉलोअप कहां कहां दिखता है इस पर बात करेंगे। नंबर्स जहां थोड़े थोड़े वीक आए, ग्रासिम के थोड़े से कमजोर नंबर्स आए, और जिस तरह से ज्वेलरी काउंटर्स के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स में क्या अब भी ट्रेड बनता है या मैक्सिमम ट्रेड प्ले आउट हो गया, इसकी बात करेंगे। और प्राइमरी मार्केट में जो एक्शन है आज, टाटा मोटर्स को भी फोकस में रखना होगा क्योंकि टाटा टेक का आईपीओ 22 नवंबर से अनाउंस हो गया, और साथ ही आज की लिस्टिंग होगी, ये भी एक ऑटो एंसिलरी प्ले है। तो ये तो चार बड़े ट्रिगर्स हुए, लेकिन जो पहला ट्रिगर और इस वक्त जो तेजी हमें मिल रही है कि हम
19,650 के भी पा रहे हैं, 700 के भी पा रहे हैं अजय, ये जो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया, बाजार एंटिसिपेट क्या कर रहा है? देखिए, हमने अभी पिछले हफ्ते ये बात बताई थी अपने व्यूअर्स को कि जिस हिसाब से यूएस का जो डेटा निकल के आ रहा है बहुत तेजी वाला है। हमारे साथ अपने अनुराग सिंह भी यहीं बैठे हुए थे, आप शायद थी नहीं, दोपहर में आए थे और चैनल पर भी बैठ के गए थे। देखिए, मामला ये है कि डेटा भले ही कुछ भी कहे बट यूएस का मार्केट कुछ और कह रहा है। भीषण तेजी आपको अक्टूबर डेटा के बाद दिखाई दी, यूएस चला, यूरोप चला, तो ये तेज जोरदार तूफानी तेजी यूएस में दिख रही है। ओवरनाइट यूबीएस ने एक नोट निकाला, उन्होंने कहा कि 275 बेसिस पॉइंट के कट यूएस में आएंगे अगले साल। अगर आप ये भी मान के चलें कि फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आएंगे, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, बट बाकी के 8-10 महीने में 275 का कट का मतलब पता है आपको क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोलैप्स करेगा। हाँ। यानी उनको दिखाई दे रहा है कि यूएस इकोनॉमी में लैग इफेक्ट के साथ जोर से क्रैश आ सकता है। okay. और वो लैंडिंग को सॉफ्ट करने के लिए रेट कट्स पावेल साहब को करने पड़ेंगे। तो पावेल साहब भले ही बहुत ज्यादा दृढ़ दिख रहे हैं, अभी बाजार को मजबूती से टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि बाजार कुछ और पकड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स लेके आइए 105 के नीचे, यूएस यील्ड्स 5.5 वाली 4.4 आ गई है। हाँ। और उसके बाद आप देखिए ब्रेंट 82, मतलब ये परफेक्ट कॉकटेल है ग्लोबल रैली का। ये देखिए हमारे पास डेटा भी आया, 4.4 पे यूएस यील्ड आ गई है, डॉलर इंडेक्स 104 के करीब आ गया है, सोना इस बार चला ही बहुत कम, थोड़ा बहुत चला था वापस पीछे खींच गया, अब ब्रेंट 82 पे, इससे बेटर ग्लोबल क्यूज हो ही नहीं सकते। तो इसका फायदा हमें मिलेगा, भारतीय मार्केट को ऑलरेडी मिल रहा है। आप इमेजिन करेंगे कि हम थर्सडे लो से 1000 पॉइंट चल चुके हैं, तो निफ्टी पे चल गए, करीब 10% स्मॉल कैप इंडेक्स रिबाउंड कर चुका है थर्सडे लो से। करेक्ट। तो ये सारी ग्लोबल तेजी आज भारतीय बाजार के अंदर ट्रांसलेट होती हुई जरूर नजर आती है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बात हुई ग्लोबल की, डोमेस्टिक मार्केट्स को भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएसयू स्पेस में तेजी है और अभी तक जो बड़े लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या ये आज इंडेक्स को जो पुश मिलेगा? लगता है कि लार्ज कैप बड़ा एक हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं रिलायंस जैसे स्टॉक। देखिए, पीएसयू को तो बाजार इसलिए लाइक कर रहा है कि वो एक प्री इलेक्शन ट्रेड की तरह देखा जा रहा है। पीएसयू और दूसरा सारे पीएसयू में नतीजे बहुत स्ट्रांग आए, लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि पीएसयू यहां से भी रिरेट होंगे, वो बात अलग है, उसको हम अलग एनालाइज करते हैं। बट मामला क्या है, जो 19,400-19,500 का जोन है, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब वो हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट, क्योंकि हम खुलेंगे या 250 पॉइंट के गैप अप के साथ। 700-800 वाला जो जोन है, आधे घंटे पहले आधे घंटे टेस्ट होगा बाजार का मेरे हिसाब से। वो टेस्ट ये होगा क्योंकि बहुत सारा पैसा अभी भी साइडलाइन पे बैठा हुआ है, कैश ऑन साइड, क्योंकि उनको स्टेट इलेक्शन से नर्वसनेस थी और स्टेट इलेक्शन के नतीजे 1 दिसंबर तक आएंगे, तो वो जो कैश साइड में बैठा है वो क्या करेगा, क्या वो चेज करेगा या वो पुलबैक के लिए रुकेगा, ये एक देखने वाली बात है। बहुत सारा जो स्ट्रांग बुल्स हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशन भी पकड़ के बैठे हुए हैं अभी। तो जो पहले आधे घंटे में आपको मालूम चलेगा कि ये सेल ऑन रैली है 250 पॉइंट, घटता है बाजार या टिका रहता है और पैसा आता है, शॉर्ट्स कवर होते हैं, बाजार टिका रहता है। तो पहले आधे घंटे में आप ऑब्जर्व करिए, जल्दबाजी मत करिए काटने की। अगर आप लॉन्ग होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो भी होल्ड करिए, पहले आधे घंटे में आपको रुझान मिल जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है, स्पेशली जहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपने मन्नापुरम के रिजल्ट देखे, कॉल देखे, आज आग लग सकती है वहां स्टॉक में। तो जहां जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और कमेंट्री अच्छी है, बाजार उधर दौड़ने की कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। बाजार में अभी भी काफी शॉर्ट पोजिशन है, इनफैक्ट डिम्पी से हम बात भी करेंगे। जो बाजार में FIIs हैं, एक तरफ तो कैश बाजार में उनकी सेलिंग कम हो रही है, दूसरी तरफ उनका जो कैश जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो घटती 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 कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले तक 13% पे आ गई थी, वो रिबाउंड हो गई है वापस 20% के ऊपर। तो एक तरफ तो FIIs वापस रिबाउंड कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन में और अपनी कैश सेलिंग घटा रहे हैं, ये सब एक परफेक्ट कॉकटेल है बुल्स के लिए। लेकिन पहले आधे घंटे में आपको मालूम चलेगा कि क्या रुझान रखना है। इस समय 44,200-44,500 बैंक निफ्टी का लेवल पॉसिबल है, 19,700-19,800 हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था, देख रहा है बाजार उसकी तरफ, आज खड़ा है वहां पे। ये देखिए, ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर थर्सडे था, निफ्टी 3.5%, बैंक निफ्टी करीब 4.5%, निफ्टी मिड कैप 13% और निफ्टी स्मॉल कैप करीब 9% रिबाउंड कर चुका है, क्योंकि पैसा पहले पोजिशन होना शुरू होता है, न्यूज बाद में आती है। लेकिन अभी मैं खुद बहुत उत्सुक हूं FIIs डेटा, FNO के साइड से निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डेटा समझने का, क्योंकि गेम
लार्ज कैप्स में वहां पे होगा। आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे बड़े स्टॉक्स में, नहीं तो हम लोग की बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा एक घंटा है कवर करने के लिए। बट डिम्पी हमारे लिए एफएनओ का डेटा एनालाइज करेंगे। डिम्पी बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रहा है डेटा? गुड मॉर्निंग अजय, मैं आपके इस पॉइंट के साथ 100 नहीं, मैं 200% इत्तेफाक रखता हूं कि आज गैप के बाद आपको जरूर रुकना चाहिए। एक्चुअली ये गैप उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है। देखिए दो चीज़ मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज एफआई, सेकंड इज ग्लोबल। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और कई बार हम छुट्टी को कोस रहे थे कि ऐसा क्यों किया कि उन्होंने एक दिन पहले हमको काम करवा दिया फिर मंगलवार की छुट्टी रखी। अब मेरे को लगता है अच्छा ही था छुट्टी थी मंगलवार की, क्योंकि आपके पास अब जैकपॉट मिलेगा, और इस जैकपॉट में एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, 19,450, 550, 600 तक के लोग जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो सब फंस जाएंगे, एक मिनट के लिए तो ट्रैप हो ही जाएंगे, और यही आपके लिए एक शॉर्ट कवरिंग का काम करेगा। लेकिन क्या वो इस गैप को वो भी तो देख रहे हैं, इस गैप को वो भी तो जानते हैं, तो इसलिए पहले आधे घंटे के लिए ये बात बिल्कुल तय है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास निफ्टी की पोजीशंस थी उनको ज्यादा बड़ा गेन मिलेगा, और जिनके पास पोजीशंस नहीं थी बाजार खुलने के बाद लेना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद ही खराब जाने जा रहा है। एक चीज आपको कर लेनी चाहिए, इस फायदा इस गैप का उठा लेना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आओ, क्योंकि अब आपके पास 400 और 500 अब आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा, तो अब आप 400 और 500 को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दो। दूसरी बात, बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे ही है, लेकिन इन सभी के बीच में मेरे को एक चीज जो मेरी आंखों में बार बार खटक रहा है, या मैं जिसको बोलूंगा कि उसका सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, भगवान जाने क्यों नहीं आ रहा, वो है एफआईज का। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 18.5-19% के आसपास है, ये 13% से 19% पहुंचने में इसको 10 दिन लग गए, जबकि सिर्फ 10 दिन में इन्होंने 65% से 40% से नीचे कर दिया था अपने आप को होल्डिंग जब बेचने पे आए थे। तो एक खरीदारी करते समय उतने जोर से क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद उसमें मल्टीपल ट्रिगर है, वो इन्फ्लेशन देखेंगे, वो चुनाव देखेंगे, वो शायद अर्निंग्स को कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, ये सारे रीजंस इसके बीच में जोड़े जा सकते हैं। इसलिए दो हिस्सों में से, दो चक्कों में से एक चक्का बहुत तेज है वो है ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन दूसरा हिस्सा जो एफआईज का है जिसके बदौलत इंडियन मार्केट बहुत स्पीड से दौड़ता है, वो थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, आपको अब रेजिस्टेंस जो है ना वो 44,300 और 500 का आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। देखिए जो सिस्टम में रहेगा ना वही पाएगा और वही गवाएगा, तो जो सिस्टम में है वही आज पाएंगे, क्योंकि आज गैप के साथ मिल रहा है, उसके बाद तो मुश्किल लग रहा है कि मेरे को बाजार बहुत तेजी से ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शंस वाले ज्यादा टेस्ट ना करें, ट्राई ना करें, और कोशिश करें मैच पे अपना पूरा फोकस रखें, 2 बजे के बाद मैच शुरू हो जाएगा। तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम है वो भी ठीक ठाक है, 45 पॉइंट का प्रीमियम और 110 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी के अंदर है। एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूं, काफी सारे लोगों को लगता होगा कि बाजार थोड़ा हल्का है या बाजार लाइट है, बॉस बाजार कोई लाइट नहीं है, बाजार फेयर वैल्यूड है, जिस समय होना चाहिए पुट कॉल रेशियो के हिसाब से वही दिखा रहा है, बाजार अंडर नहीं है ओवर नहीं है, बिल्कुल फेयर वैल्यूड है, 1 के आसपास पीसीआर चल रहा है, वॉलिटिलिटी इंडेक्स 11.5 के आसपास चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, सारा सेटअप जैसे एक नॉर्मल वाइटल्स चेक करते हैं हम किसी भी चीज के, तो टिपिकली वैसे ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है वह एफआईज और कुछ नहीं। ओके डिबे, और क्विकली दो स्टॉक्स भी बताएं। दो शेयर में से एक तो टाटा पावर शेयर होगा, आपको मालूम है कि पावर को लेकर काफी बज है, सेक्टोरल चर्निंग मिल रही है, इसमें से कई शेयर चल चुके हैं, एनटीपीसी हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था, अब आप टाटा पावर पे ध्यान रखिए कि एक स्ट्रॉन्ग बेस अपवर्ड राइजिंग बेस है, और ये बार बार 200 दिनों के अहम सपोर्ट पे आके टेस्ट करके पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग देता है। हमने मार्क भी किया आपके लिए कि लास्ट टाइम ये 200 दिनों के एवरेज का सपोर्ट लेके चला है, इस बार रेजिस्टेंस ब्रेक करने की तैयारी भी करेगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो एक तो हमारा टाटा पावर होगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं, पोजिशन फ्यूचर्स में लॉन्ग बनती हुई दिखी है। और दूसरा आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने एक शेयर के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम था वोकार्ड, हम शायद पहले एनालिस्ट में से एक थे, या मैं कह सकता हूं चैनल में से एक होंगे जिसने वोकार्ड को सबसे पहले पकड़ के आपके सामने रखा कि आप इसको ध्यान रखना, ये चल सकता है, और हमने बकायदा एक कॉलम भी मेंटेन किया हुआ था, देख रहे होंगे आप लास्ट में उसका, ये टिपिकली इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये डेली चार्ट पर है, और हमने मेंशन भी किया इट्स अ लॉन्ग टर्म, आप इसको रखिए, दिसंबर के एंड में इसको काटेंगे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ऑलरेडी करीब 5-6% का रिटर्न आपको पहले ही दे चुका है ये, हमको लगता है कम से कम 20-25% का रिटर्न की कैपेसिटी है, इसलिए इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम और एक थोड़ा लॉन्ग टर्म रखने के वाला मोमेंटम के हिसाब से हमने दोनों शेयर्स का चयन किया है, आप चाहें तो इन दोनों का फायदा जरूर उठाएंगे, वोकार्ड और टाटा पावर। आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में, जय पटेल
और सोनी पटनायक दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी पैनलिस्ट जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे, सोनी की मुस्कुराहट बता रही है कि पहले हम उनके पास जाएं, लेकिन आज हम जाएंगे जय पटेल के पास, क्योंकि उन्होंने इंडिया की जर्सी पहन रखी है और वो पूरे मूड में है। एक तरफ स्क्रीन लगेगा टीवी का, दूसरी तरफ स्क्रीन लगेगा चार्ट्स का, और उसके बीच में टॉगल करेंगे वो। जय एंड सोनी, दोनों का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अभी दिवाली के पटाखे बचे, देखिए भारत में दिवाली भले ही एक दिन की होती है, लेकिन दिवाली का जो माहौल है वो कई दिन का होता है। हमारे भी घर में 4-5 दिन तक पटाखे जलाए जाते हैं, तो दिवाली के पटाखे तो चलेंगे आज बाजार में भी। लेकिन हमारे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनके लिए भी काफी कुछ एक्शन लाइंड अप है। वैसे आप ये सही बात कर रहे हैं, आज जितने भी ट्रेडर्स और चार्टर्स टर्न के लिए, क्योंकि आज मैच है भी दिन में। एग्जैक्टली, एक तरह यहाँ स्क्रीन, एक तरह ये स्क्रीन, मैच नहीं है। तो जय पटेल कैसे मैनेज करेंगे, प्रियंका जो पूछ रही है आपसे, कितने स्क्रीन लगे आपके चारों तरफ? जय से चार्ट संपर्क टूटा है। ओके, जय की जो फीड है वो थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए हम उनके पास नहीं जा सकते, तो आना पड़ा हमें सोनी जी के पास ही। गुड मॉर्निंग सोनी जी, बताइए क्या माहौल बन रहा है, तेजी बंदी कैसे खेले आज पहले आधा घंटे को निफ्टी बैंक निफ्टी पे? गुड मॉर्निंग अजय जी, डिम्पी जी, प्रियंका जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। जी डेफिनेटली आज गैप अप तो इंडिकेट कर रहा है कि 19700 के आसपास टेस्ट होना चाहिए निफ्टी, और अगर 19400 को होल्ड करता है तो ओवरऑल पोजिशनल व्यू वैसे भी बन रहा था कि 19700 तक एक बार टेस्ट हो सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 44000 का जो वो उसका रेजिस्टेंस था उसको एक गैप अप के तौर से ही ब्रेक हो सकता था, तो मेरे ख्याल से आज वो गैप अप का दिन है जो 44000 रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। इंडिविजुअली अगर हम काफी पीएसयू स्टॉक्स देखें बैंक निफ्टी में, तो बहुत स्टॉक्स ने यू नो ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम्स, तो ओवरऑल इंडेक्स को बैंक निफ्टी वैसे भी थोड़ा लग रहा था कि 44000 को ब्रेक करके टुवर्ड्स 44500 45000 के एक बैंड को टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से 19400 जैसे कि मैंने कहा सपोर्ट है, सो 19700 टू 19800 एक बैंड रहेगा जिसको वो टेस्ट कर सकता है, वो उसी लेवल के पास बात जाने के बाद मेरे ख्याल से वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा टेस्ट करने के लिए कि वो क्रॉस हो सकता है कि नहीं। लास्ट सीरीज अगर हमें याद रहा है तो 19850 स्पॉट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसको ही ब्रेक नहीं कर पाया था, यानी कि वहां से 1800-800 लेवल्स भी हमने देखे हैं। सो 19850 का जो रेजिस्टेंस है वो इसी सीरीज में भी क्रूशियल रहेगा क्रॉस करने के लिए। So, किसी भी एंगल अगर आपको 19800 के आसपास निफ्टी नजर आ रहा है इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ट्रेडिंग डेज, तो वहां पे प्रॉफिट एक बार बुक कर देना चाहिए जो भी लॉन्ग्स पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एंड वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। द ओनली रीजन इज बिकॉज FIs की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन अभी भी काफी नेट शॉर्ट्स में कंटिन्यू हो रहा है, और यू नो वो अभी एग्जैक्टली कम तो नहीं हुआ है, तो जब तक वो लॉन्ग्स 30% के ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक कॉशन मेंटेन करना चाहिए, एंड 19800 के आसपास प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए 45000 के आसपास जब आपको नजर आए प्रॉफिट बुक कर जाइए उस समय पर, एंड थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए अगर वो क्रॉस कर पाते हैं रेजिस्टेंस या नहीं तब हम देखेंगे। जतिन गेडिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनलिस्ट में, जय पटेल तो हैं। जय, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जया जी एंड गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डीपी जी। हाँ बताइए कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को आज, अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करिए, और ये भी बताइए कि आप कैसे स्क्रीन के बीच में एक तरफ चार्ट एक तरफ मैच। सो आई गेस आज 2 बजे के बाद आई डोंट थिंक कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है, लोगों का सेमीफाइनल है, मे बी इंडिया आज जीत सकती है हार सकती है, बट आज मजा बहुत आएगा, सो डेफिनेटली वहां पर व्यू अच्छा रहेगा आज के दिन के लिए। निफ्टी में मुझे लग रहा है थोड़ा अपसाइड मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं आज के दिन में, बट ओवरऑल थोड़ा कॉशियस होके चलना होगा बाजार में, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा कुछ आज मोमेंटम दिख सकता है 19500 के वहां पर जाके बाजार को एक डेफिनेटली एक मोमेंटम आ सकता है, बट ओवरऑल आज के लिए थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा बाजार में, मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा, सो डेफिनेटली इंडिया स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है आज के दिन में। सो वहां पर मेरी एक राय रहेगी केनरा बैंक में हम देखें तो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया ये स्टॉक में। जस्ट अ सेकंड,
सो केनरा बैंक में हम देखे तो अराउंड 400 के पार करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिखा कल के दिन में स्टॉक में। काफी फ्रैग पुल पैटर्न का जो ब्रेकआउट था कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, तो मुझे यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली दिख रहा है केनरा बैंक पर। टारगेट के तौर पर हम देखें तो 426 वुड बी एन आइडियल टारगेट, यहाँ से अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग है। और स्टॉप लॉस के तौर पर 389 मुझे लग रहा है केनरा बैंक पर रख के जाना चाहिए। यहाँ पर केनरा बैंक और पीएससी स्टॉक्स में जैसे यूनियन बैंक है बहुत सारी कंपनीज में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है, तो पीएससी पर मेरी राय बुलिश होगी ये मार्केट के लिए। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो वेल्सपन इंडिया का होगा। वेल्सपन इंडिया की बात करें तो 158 के वहां पर अभी चल रहा है, एक यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिख रहा था, मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक कर रहा है। सो वेस्टर्न इंडिया पर बाय करने की सलाह होगी अराउंड 158 के भाव पर। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 153 का और टारगेट रहेगा 169 का। सो वेस्टर्न इंडिया वुड बी एन सेकेंड पिक आज के दिन के लिए। बैंक और वेल्सपन इंडिया, जिसे आप वेल्सपन लिविंग भी कहते हैं, ये दो आपकी पिक्स रहे। जितना आपके स्टॉक्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव रुझान रहेगा, इसके लिए हम दो बाई साइड के ट्रेड्स देना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो मेटल काउंटर में से जेएसडब्ल्यू स्टील होगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर जो डेली चार्ट देखे तो 745 760 की रेंज में पिछले चार पांच ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो हमें लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग करके चलना होगा। हमारे टारगेट्स रहेंगे 783 के और हमें स्टॉप लॉस 748 का लगाना होगा। जो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन होगा वो फोर्टिस हेल्थ केयर में होगा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर में एक पिछले दो तीन महीनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हमें देखने ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है, तो आई थिंक इट्स अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो हमें लॉन्ग करके चलना होगा फोर्टिस हेल्थ केयर। स्टॉप लॉस 357 का होगा और हमारे टारगेट 390 के होंगे। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के हमको ट्रेड मिल रहे हैं। जतिन कह रहे हैं कि एक स्टील कंपनी, दूसरा हेल्थ वाली यानी थोड़ी डिफेंसिव कंपनी फोर्टिस, इस पर ध्यान रखें। जय ने कहा है कैनरा बैंक रखो, बैंकिंग में से चुना है, और एक उन्होंने वेल्सपन इंडिया को चुना है जो टिपिकली वो कैश का स्टॉक है और अच्छा मूवमेंट दे रहा है। इन सभी शेयर्स के अंदर क्लोजिंग भी अच्छी हुई है और आज एक्सपेक्ट करते हैं ओपनिंग भी काफ़ी धमाकेदार होगी। सोनी के भी एक बार जरा ट्रेड पता कर लेते हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, आपके जरा ट्रेड कौन से बताएं? ये मेरे दोनों स्टॉक्स आज बाय की तरफ है, दोनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम्स एंड लॉन्ग बिल्ट पोजीशन है। पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक 404 ऑलमोस्ट अभी सीएमपी चल रहा है जो क्लोज दिया है फ्राइडे को, सॉरी मंडे को। सो कैनरा बैंक आप इसी लेवल पे खरीद सकते हैं 390 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 435। जो दूसरा स्टॉक है वो है भेल। भेल में भी लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस प्लस ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम्स हुए हैं, सो भेल आप इसी लेवल पे खरीद सकते हैं अराउंड 136-138 और स्टॉप लॉस रहेगा 132 का और इसका टारगेट रहेगा 144-146। ठीक है, कैनरा बैंक पे आज दो एक्सपर्ट्स का व्यू बुलिश है, तो इस पर जरूर ध्यान रखें। और साथ ही बीएचईएल जो स्ट्रांग मोमेंटम में है और इनफैक्ट डिलीवरी बेस्ड भी अच्छी बाइंग इसमें सोमवार को देखने को मिली है। ठीक है, अब बढ़ते आगे और एक बार सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इनके नंबर्स आए और साथ ही जहां खबरों के दम पर एक्शन हो सकता है, शरद कंपाइल करके लाए। शरद बताएं मॉर्निंग पहले नंबर्स बताएं। जी बिल्कुल, अर्निंग्स में फोकस करें तो ग्रासिम के नंबर्स देखे, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं। अब इसका इंपैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि रियलाइजेशन जो उनकी कॉस्टिक सोडा के बिजनेस है, कॉस्टिक सोडा बिजनेस का, यहाँ पे जो है वो अनुमान से कम देखने मिले हैं और स्टैंड अलोन बिजनेस को वो इम्पैक्ट किया है। एनएमडीसी की भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं एंड ऑफकोर्स लोअर रियलाइजेशन और लोअर वॉल्यूम्स आए हैं और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखने मिला है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा लावपाला आरजी, यहाँ पे भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और कमेंट्री आ रही है कि Q3 में स्पिल ओवर फेस्टिव सीजन का जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इंपैक्ट देखने मिलेगा। ईएमएस की बात करते, लार्जली बहुत रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी और नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ग्रोथ देखे तो रेवेन्यू में 53% का ओवरऑल उछाल देखने मिला है। वॉकहार्ट की बात करें तो जो टर्न अराउंड स्टोरी की बात हो रही है बाजार में, उसमें स्टॉक में भी नंबर्स में देखें तो यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू में 11% का ग्रोथ आया और जो उनके ऑपरेशनल लॉसेज है उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। जो नेट लॉस था लास्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 189 करोड़ का था, अब वो घट के हो गया है 77 करोड़ का लॉस। ईथॉस की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और टॉप लाइन ग्रोथ देखे 30% से ज़्यादा का आया है। कल्याण ज्वेलर्स के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं,
और हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी प्रेशर ज़रूर आई है लगभग 600 बेसिस पॉइंट्स का। नैटको फार्मा के जो है मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं और नेट प्रॉफिट में 12% का गिरावट आया है। और आखिर में ट्राइडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू एबिटडा ये सब 25% से लेकर 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको देखने मिला है। ठीक है, ये तो वो ये सारे अर्निंग्स वाले नंबर्स हुए। अब वो स्टॉक्स भी बताएं जहां पर आज स्टॉक्स जहां पर न्यूज बेस्ड एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स की भी एक बात बता देता हूँ। आस्क ऑटोमोटिव का आज लिस्टिंग है, जो है थोड़ी स्लाइट प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस है। आईपीओ लेकिन सब्सक्रिप्शन 51 टाइम्स हुआ था और ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का प्राइस 282 रुपीज़ पर शेयर है। खबरों वाले शेयर्स में ऑफकोर्स फोकस में रहने वाला है डाबर। यहाँ पर एक सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। यहाँ पे FIR जो है प्रमोटर फैमिली के अगेंस्ट दर्ज किया गया था, रिपोर्ट्स आ रहे थे। एंड ऑफकोर्स ये जो है इम्पोर्टेंट बेटिंग स्कीम्स को लेके था और कंपनी ने जो है फैमिली ने क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, तो इन स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इंडसइंड बैंक भी फोकस में रहेगा। अब यहाँ पे MSCI की जो इंक्लूजन हो रही है उसमें जो है सबसे बड़ा जो इन्फ्लो का इम्पैक्ट इंडसइंड बैंक में देखेगा, $300 मिलियन का इन्फ्लो IFL एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा, इसलिए क्योंकि टाटा टेक उसमें उनकी होल्डिंग है और उसके जो IPO है उन्होंने RHP फाइल कर दिया है SEBI के साथ। अभी IPO में ऑफर फॉर सेल लगभग 6 करोड़ शेयर्स का रहेगा और अगर आप 60 लाख शेयर्स जो है ये रिजर्व रहेगा आपके टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। IPO खुलेगा November 22nd को, अभी प्राइसिंग नहीं आई है। IDFC फर्स्ट बैंक के जो ओवरऑल मर्जर प्रोसेस पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, यहाँ पे NOC आया है एक्सचेंजेस से, BSE NSE दोनों से, और इसके अलावा RBI और NCLT की अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। RK फॉर्जिंग्स 1000 करोड़ रेज कर रहे हैं 614 रुपये प्रति शेयर पे, लेकिन जो दिग्गज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि नोमुरा, BNP पैरेबस, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, वो इसमें जो है शामिल हुए हैं। CET को भी एक माइल्डली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिला है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है रीस्टार्ट करने की जो है भांडुप की यूनिट को उसने अप्रूवल दे दी है। इम्पॉर्टेंट बात है स्मॉल कैप से इस पर, वो है JP एसोसिएट्स का। यहाँ पे देखें तो अब जो है एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसे होती है वहाँ पे लगभग 19 करोड़ शेयर्स के जो उनके जो ट्रस्ट किया वो ICICI बैंक को देने वाले हैं, जहाँ से कर्ज और कम हो जाएगी। GMM फॉडलर में प्रमोटर ग्रुप जो है लगभग 1% स्टेक और अपने बढ़ाने वाले हैं और वो खरीदेंगे, सब लगभग 1700 रुपये प्रति शेयर रहेगा और अब उनका स्टेक 25% के ऊपर हो जाएगा। बायकॉन बायोलॉजिक्स को भी जो है UK की मेडिसिन एजेंसी से अप्रूवल आया है बायोसिमिलर ड्रग का, और वहीं अगर बात करें एलिम्बिक फार्मा का तो वहाँ पे भी USFDA अप्रूवल जो है आपको आई ट्रीटमेंट ड्रग के लिए देखने मिला है। शुरू करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। ओके, वामाक्षी से भी ब्रोकरेजेस के व्यू ले लें, फिर ये सारे स्टॉक्स आपको हम ट्रेड वर्दी हैं या नहीं कैसे ट्रेड करें बताएंगे। वामाक्षी बताइए क्या इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस आई हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 के नतीजे लार्जली इन लाइन रहे हैं। PPOP अगर हम देखें, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है हायर टोटल इनकम के चलते, मगर जो PPOP में जो बीट नज़र आया है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो गया है हायर क्रेडिट कॉस्ट और हायर इफेक्टिव टैक्स रेट के चलते, और इसी के चलते कंपनी का जो मुनाफा है वो लार्जली इन लाइन आया है। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। ग्रासिम भी फोकस में रहेगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 EBITDA अनुमान से थोड़ा सा कमजोर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। VSF वॉल्यूम्स हालांकि यहाँ पर 24% की ग्रोथ नजर आई है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते, और ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने ग्रासिम पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी ओवरवेट की राय आ रही है ग्रासिम पर, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि केमिकल बिजनेस में जो वीकनेस नजर आई है वो ऑफसेट होते हुए नजर आ रही है विस्कोस बिजनेस की मजबूती के चलते। बिजनेस पेंट बिजनेस जो उनका है इसकी लॉन्च भी ट्रैक पर है और उनका जो B2B ई कॉमर्स बिजनेस है अब वो एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस पर भी हम देखें तो मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है। CLSA ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 185 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया, और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखकर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 200 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली उनका कहना है कि गोल्ड लोन यील्ड्स एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहे हैं और कंसोलिडेटेड निम टॉप्ड इनफैक्ट अनुमान से काफी मजबूत आए हैं। गोल्ड लोन्स की ग्रोथ जरूर म्यूटेड थी मगर प्रॉफिटेबिलिटी सुधर रही है। एवरेज क्वार्टर हालांकि रहा है उनके माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के लिए, और ओवरऑल अनुमान से मजबूत कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मनप्पुरम फाइनेंस भी हमारे रेडार पर। ठीक है, वामाक्षी भी क्रिकेट प्रेमी है इसलिए वो आज भी टी शर्ट पहन के आई है, पहले वो मैच देख रही है अहमदाबाद गई थी, लेकिन आज
हालांकि वामाक्षी घर के पीछे ही पड़ोस में वानखेड़े के पास ही रहती हैं, वो मैच हो रहा है बट वो देखेंगी बड़े स्क्रीन पे, राइट वामाक्षी? ठीक है, चलिए जय पटेल, सोनी पटनायक और जतिन गेडिया हमारे साथ बने हुए। से शुरुआत करना चाहूंगा मैं, आपने इंडिया बुल हाउसिंग के नंबर्स जो आए प्रोविजनल और जो कमेंट्री आई है वो देखिए, मैं इसको देख के हैरान हुआ। ये सबसे हेटेड एनबीएफसी स्टॉक था, सबसे सस्ता इसलिए हो गया था, ऑलमोस्ट 0.3 टाइम प्राइस टू बुक, क्योंकि किसी से भी पूछो भाई साहब बहुत सस्ता हो गया, तो लोग कह रहे थे कौन सी बुक, आप समझे बुक कौन से बुक की बात कर रहे हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं जब से बड़े इन्वेस्टर्स आए इसमें, जैसे LIC ने अपनी कमान संभाली इसकी लीडरशिप की दो तीन बार से, एक तो ये अपने डेट को चुका रहे, इनके रिसीवेबल बढ़ गए और कल शाम का डेटा भी बहुत शानदार आया था, आपको लगता है इसमें थोड़ी सेफ्टी आ गई है? गुड मॉर्निंग अजय, प्रियंका, हमारे सब व्यूअर्स, पैनलिस्ट और हमारे सब व्यूअर्स को डेफिनेटली दीपावली की, नए वर्ष की शुभकामनाएं। अजय, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। एक चीज मैं एग्जांपल दूंगा, आपको याद होगा कि व्हाट हैपेंड जब यू नो साइरस ग्रुप ने, उन्होंने जब ये NBFC खरीदी पूनावाला फाइनेंस, और क्या टर्न अराउंड दिया था। आई थिंक इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो मुझे याद है हिस्टोरिकली जब पुराना मैनेजमेंट था और जब काफी टेंटेड इंप्रेशन थी, तब ये लोग 7-8% का डिविडेंड यील्ड दे रहे थे। गॉड नोज हाउ दे वर मैनेजिंग, लेकिन मुझे याद है करीबन 5-7 साल तक उन्होंने बहुत शानदार डिविडेंड दिए, और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ कि जिनका बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है, जिनका डिविडेंड से ही उनका जो पूरा प्रिंसिपल है वो राइट बैक हो गया है और अभी उनकी कॉस्ट जीरो है। अभी जो हो रहा है ये कंपनी में इज अ टोटल टर्न अराउंड। आई थिंक प्रोबेबली, मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज टोटली माय गेस, कि जो मैनेजमेंट है वो जान चुके हैं कि उनके जो इंप्रेशन के वजह से ये जो मार्केट है बहुत स्मार्ट है, और जब बाकी सब पीयर ग्रुप की NBFCs को जब 3 times प्राइस टू बुक, 5 times प्राइस टू बुक मिल रहा है, यहाँ पे 0.6-0.7 के वैल्यूएशंस मिल रहे थे, तो उन्होंने अपना स्टेक डायल्यूट किया, नए सारे इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया, पूरी बोर्ड बदली है, और अभी मुझे जिस तरह का को लेंडिंग का जो बिजनेस मॉडल पे जो इनका फोकस लग रहा है, आई थिंक डेफिनेटली दैट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी, नो डाउट। आई थिंक पास का ट्रैक रिकॉर्ड देख के बहुत डिफिकल्ट होगा एक बड़ा कॉल लेना है इस कंपनी पे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का टर्न अराउंड हमने पास में देखा है, वी हैड सीन विद मैग्नम फाइनेंस जो अभी पूनावाला फाइनेंस बन चुका है, तो उस तरह का शायद अगर टर्न अराउंड होता है तो बड़ा पैसा बन सकता है, तो एक अल्फा जनरेटिंग स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही कम्फर्टिंग है, और रिजल्ट के जो ट्रेंड्स है वहां पे भी हम देख रहे हैं कि डिस्बर्समेंट सुधर रहे और जो नेट लोन लॉसेस है वो काइंड ऑफ कम हो रहे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर जो आए, थोड़ा डीप में जाइए तो आपको दिखाई देगा, फॉर्मर ब्लैकस्टोन इंडिया हेड मैथ्यू सीरियाक इसके अंदर आ गए हैं, इसमें LIC ने अपना बोर्ड मेंबर बैठा दिया है, नाम बदल रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं फॉर श्योर, अगर आपको रिकवरी और रिबाउंड ट्रेड्स खेलना पसंद है तो। लेकिन जय पटेल बताएंगे कि चार्ट क्या कहते हैं। जय, 150 से 210 का टॉप और 150 का बॉटम, अगर हम लास्ट 6 महीने का चार्ट देखें तो क्या 175 पे बन रहा है केस वापस इसमें घुसने का, अगर छूट गया ऊपर के भाव से? सो डेफिनेटली अजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिबाउंड डेफिनेटली दिख रहा है। 8 November से लेके अभी तक की बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक डेली चार्ट पर मुझे पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक पर। अगर ये लेवल पार हो गया तो मुझे लग रहा है वापिस से 190 तक के लेवल इंडिया बुल हाउसिंग पर देखने को मिल सकते, तो डेफिनेटली एक टर्न एक अभी के लिए टर्न अराउंड के लिए डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन ये स्टॉक ले सकते हैं। 190 के तक के टारगेट है, अगर 190 भी पार हो गया तो एक 200 तक का टारगेट दूसरा लेके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ रखना हो तो अराउंड 155-160 के बीच में स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक पर टारगेट रहेगा 190 एंड 200 के बीच में। सो डेफिनेटली अगर 200 का ये स्टॉक ने यहाँ पर भी पार कर लिया तो मुझे लग रहा है रैली काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर, और RSI भी काफी हद तक मुझे लग रहा है सपोर्टिव है यहाँ पर, और क्रॉसओवर भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है, तो इंडिया बुल हाउसिंग पर डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। 190-200 तक के टारगेट वापस से टच करने का ट्राई करेगा। ठीक है जतिन, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, वो है DCM श्रीराम। उसके जो नंबर्स आए हैं ना YOY वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे नंबर्स बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट करीब 130%, मार्जन्स करीब 1-6%,
अबिटा जो ऑपरेशनल कहते हैं उसको 5 times बढ़कर आया और इसके अलावा रेवेन्यू भी करीब 9% बढ़ा, तो हर फ्रंट पे नंबर्स ठीक लग रहे हैं। एक बार जरा आप चेक करके बताइए नंबर्स का बेनिफिट आज गैप में तो मिलेगा, उसके बाद और कितना चल सकता है, इसके टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? देखिए डीश्रेम श्रीराम आई थिंक 883 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर जो डेली चार्ट देखें तो ट्रेंड फिलहाल तो नेगेटिव है। मेरे को लगता है कि करंटली अगर जो टेक्निकल पैरामीटर्स पे चेक करूँ तो ट्रेंड नेगेटिव है। मेरे को लगता है जो बम्प अप आएगा या तो ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ अगर जो हमें ट्रेड मिलता है तो आई थिंक 920 से लेके 930 यहाँ तक एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। लेकिन वहाँ पे 20-day एवरेज है तो मेरे को लगता है कि ये वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो काउंटर ट्रेंड पुल बैक है वो फिजल आउट हो सकता है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव साइड पे ट्रेड अगर जो लेते हैं तो 920-930 के जोन में जाके मेरे को लगता है कि बुकआउट कर लेना चाहिए इन द केस ऑफ डीशेम श्रीराम। अरे शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है टिपिकली, इस नंबर्स का बेनिफिट एक गैप के तौर पर तो मिलेगा लेकिन उसके बाद ज़रा दम नहीं लगता, तो इसलिए ये राय आप जतिन कोड़िया की अच्छे से समझ के रखिएगा, ये लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर दिखा दिए। दूसरा शेयर है वोकार्ड, अभी शरद भी बता रहे थे कि यहाँ पर टर्न अराउंड है, सुबह भी हमने आपको अपने जो दो चार्ट हम दिखाते हैं या दो शेयर्स बताते हैं उसमें हमने गिनवाया था। सोनी एक बार आपकी रिकमेंडेशन, अर्निंग्स ठीक है इनकी, अगर आप वैसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये अपने घाटे को कम कर रहे हैं और मार्जिन वगैरह ठीक किया है इन्होंने अपना, और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद चल भी रहा है, आपने चार्ट पे देखा भी होगा, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे वापस से वो कार्ड, एक बार आपकी रिकमेंडेशन कितना और चल सकता है, ये 300+ हो जाएगा? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ से जो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिख रहा है ऑन चार्ट इट इज इंडिकेटिंग कि 315-320 के तरफ जाने के चांसेस आज भी रख रहा है वो कार्ड। सो इस लेवल से भी आप खरीद सकते हैं, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इसका काफी अच्छा। पोजिशनली देखेंगे तो 265 का एक सपोर्ट बन रहा है, बट अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए कोई लेवल देखना है फॉर स्टॉप लॉस पर्पस तो 275 का लगा सकते हैं, तो 315-320 के टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ से। तो ये तो वॉकहार्ट पर बात हुई, लेकिन एक स्टॉक और वो है जेपी एसोसिएट्स, क्योंकि आप सर्ज अगर इसका देखें जेपी एसोसिएट्स का लगभग 8-8.5 रुपये से चलते चलते अब ये लगभग 19 रुपये के पास आ गया है, और एक खबर थोड़ी बाजार में पहले थी कि जेपी एसोसिएट्स और आईसीआईसीआई बैंक मिलकर अपने जो लोन रिकास्टिंग सॉल्यूशंस पर आ सकते हैं, और अब तो ये खबर आ भी गई है। इनफैक्ट इस पर अब आज किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, पिछले 6 महीने में ये एक्चुअली मेजर मूव तो पिछले 4 महीने में आया, लगभग 125% चलने के बाद इस खबर का आज कैसे इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक प्राइस पर, समझते हैं। एक बार हमें जतिन बताएंगे, जतिन इस स्टॉक की एक बार चार्ट चेक करके बताएं इसमें और कितनी स्ट्रेंथ दिखती है अभी। देखिए जेपी एसोसिएट्स की मैं अगर जो बात करूं तो मेरे को लगता है कि एक 14 से लेके 12 रुपए की जो रेंज थी उस वो रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके फिर से पॉजिटिव मोमेंटम में आ गया है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 23 रुपए से लेके 25 रुपए तक ये पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। लेकिन मैं इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको या तो व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा, 17 रुपीज के अगर जो नीचे स्लिप होता है तो मेरे को लगता है कि सभी लॉन्ग पोजिशंस एग्जिट कर लेने चाहिए, नहीं तो ऊपर की तरफ 23 से 25 तक का पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल है। हुआ लेकिन एक बार पार्थिव से समझते हैं, पार्थिव बहुत ही लॉन्ग बहुत स्टैग्नेशन के बाद ये रेजोल्यूशन आया है, और कई सालों से क्योंकि ये स्टॉक भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इस न्यूज़ का इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं आप स्टॉक प्राइस का, क्या यहाँ से एक री रेटिंग हो सकती है? स्टोरी है अगर आप देखें पास्ट में इसके बैलेंस शीट में इन टर्म्स ऑफ जो बोरिंग्स थी करीबन उसकी 23,000 करोड़ की बोरिंग्स थी, जो अभी घट के करीबन 3,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। काफी उनके पास जो अच्छी एसेट्स थी जो कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स थी वो उन्होंने बेच के, स्पेशली उनकी जो सीमेंट एसेट्स थी कुछ पावर एसेट्स थी वो बेच के उन्होंने काफी डेट कम किया है। अभी डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन फ्रंट है जो भी इनकी ऑर्डर बुक है उसमें एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ है, बिकॉज ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट डबल हुआ है।
अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर रेजोल्यूशन, बिकॉज नो डाउट आईसीआईसीआई भी चाहता है कि ये अकाउंट में काफी रिकवरी हो, और जिस तरह की अभी इंफ्रा में तेजी है, जिस तरह का अभी एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है, और गवर्नमेंट भी चाहता है कि काफी इन तरह की कंपनीज जिनके पास अच्छी अच्छी कैपेसिटी है, क्षमता है अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करने की, और जेपी एसोसिएट्स के पास ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही अच्छे बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवर करने की, तो अगर उस तरह का कुछ टर्न अराउंड होता है तो इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है। लेकिन आई लाइक टू वॉर्न कि ये बहुत ही हाई हाई रिटर्न टाइप के बेट्स होते हैं, काफी लोग जो रिस्ट्रक्चरिंग में मानते हैं तो वहां पे बड़ा अल्फा बनता है, लेकिन इसमें आई थिंक एक लिमिटेड पोजीशन रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में, बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। आप ये ना भूलें कि 150% से ज्यादा की तेजी इस एंटी खबर कहीं ना कहीं बाजार में थी, और इसी वजह से आप स्टॉक में मूवमेंट भी देख रहे थे। तो इस खबर के आने के बाद आज फॉलो बाइंग आती है या फिर थोड़ा सेल ऑन न्यूज होता है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सोमवार को भी आप देखें तो 6-6.5% की मूव के साथ ये बंद हुआ है, और ये स्टॉक रेकमेंड का आई थिंक 12 रुपये या 11 रुपये के लेवल से हमें संजीव वसीम भी बता के गए थे। थोड़ी देर में हम जब उनसे जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें यहाँ से कितनी तेज़ी दिखती है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, आरके फोर्जिंग, इसका QIP आना था और ये QIP अब 1000 रुपये रेस करेंगे, और बड़े नाम नोमुरा, BNP पारिबा जैसे नाम शामिल हुए हैं। आरके फोर्जिंग के चार्ट्स भी एक बार देखते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस वक्त। सोनी, अगर आके फोजिंग की चार्ट्स में हम देखेंगे तो 685 का बहुत ही अहम एक लेवल है, अगर वो आज ब्रेक करता है तो यहाँ पे से इस लेवल से सेल हो सकता है, और नीचे हम इसको 660-640 के रेंज में भी देख सकते हैं। बट अगर 685 को होल्ड करके आज थोड़ा बहुत ट्राई कोशिश करता है 700 के ऊपर ले जाने की, सो यहाँ से फिर 685 का एक अच्छा बेस बन जाएगा, एंड 720-740 एक अच्छा लेवल नजर आएगा यहाँ से जाते हुए ऊपर। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, या तो ऊपर या नीचे इसमें ब्रेक होना चाहिए, और उसके अनुसार ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक और शेयर है JM Pfaudler, एक बार जय आप इस शेयर को चेक करेंगे, JMM Pfaudler, इसमें जो प्रमोटर फैमिली है 1% स्टेक बढ़ा रहा है अपना। तो JM Pfaudler पर मुझे लग रहा है थोड़ा सपोर्ट एरिया पर काफी अभी चल रहा है, 100-day मूविंग एवरेज के वहां पर चल रहा है। कल जो प्रीवियस कैंडल बनी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी डाउनसाइड के मोमेंटम के लिए, और RSI भी थोड़ा डाउनसाइड इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे वेट एंड वॉच अभी करना चाहूंगा। मैं ज्यादा अभी उछल के ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा ओपनिंग पर। सो लेट सी, अराउंड 1650 को क्रॉस करता है निचली साइड में, तो मुझे लग रहा है डाउनवर्ड रैली आ सकती है जो 1620 लेवल तक जा सकती है। सो अभी के लिए आई वुड अवॉइड, इफ ये रैली अराउंड 1700 के ऊपर जाए तो आई विल बी अ बायर फॉर दिस स्टॉक, तब तक आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक, बिकॉज ज्यादा कुछ मुझे अभी लग नहीं रहा, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ज्यादा लग रही है ये स्टॉक पर। सो काइंडली अवॉइड, वेट फॉर द लेवल्स टू किक इन एंड देन ये स्टॉक पर ट्रेड लेना चाहूंगा। आज सोनी आपने ना एक शेयर दिया था बैंकिंग का, कैनरा बैंक, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और बैंकिंग काउंटर से पता करना चाहता हूँ, इंडसइंड बैंक, असल में MSCI इंक्लूजन के अंदर हो रहा है, यानी MSCI इंक्लूड हो रहा है ये शेयर भी, और एक्सपेक्टेड है मार्केट को ये खबर है कि शायद $30 करोड़ के आसपास आ जाएगा, ये $300 मिलियन मतलब $30 करोड़ के आसपास इनके पास आएगा। अगर ये आता है तो ये रेंज का ब्रेकआउट भी करेगा, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। इंडसइंड ये अगले 1.5 महीने के लिए रखें क्या? डेफिनेटली, इनफैक्ट इसका एक स्मॉल रेजिस्टेंस है 1520 का, जो कि ऑलमोस्ट उसके करीब ही ट्रेड हो रहा है, और आज लाइकली चांसेस है कि इसके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है। सो 1520 के ऊपर पोजिशनल टारगेट अगर आप 1-1.5 महीने के लिए देखना चाहें तो 1600 प्लस के लेवल्स डेफिनेटली नजर आते हैं, तो इसको डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं, और नीचे के साइड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 1470, तो मेरे ख्याल से ये लेवल को आप होल्ड कर सकते हैं एज स्टॉप लॉस, एंड 1600 पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज है यहाँ से फिर से री रेटिंग हो सकती है, एक बार तो उन्होंने दाम बढ़ाए थे, दूसरा इनका फिर बिजनेस कोविड और नॉन कोविड से सेपरेट होकर अलग अलग बैलेंस शीट्स लोगों ने जब देख ली तब उनको समझ में आया कि अब नए तरीके से इनको हमको देखना होगा। HDFC लाइफ के चार्ट एक बार आप जगह दिखाएंगे तो वो थोड़ा बेहतर हुए हैं और शेयर्स के मुकाबले। एक बार पार्थिव से इस रिकमेंडेशन ले लेते हैं, पार्थिव इस पूरे स्पेस पर आपकी एक तो रिकमेंडेशन जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं, और स्पेशली अगर आप HDFC लाइफ के बारे में बात करना चाहें तो। डेफिनेटली रिपी जी, अगर आप देखिए रिपी जी कि ये पूरा जो स्पेस है उसमें कोविड का बहुत बड़ा प्रभाव था,
और लकीली ये सब कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, स्पेशली इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ एचडीएफसी लाइफ, उसमें जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो काफी ऊपर, जो रेगुलेटरी होता है उससे काफी ऊपर था। तो उस लिहाज से हमने देखा कि काफी कैपिटल एडिक्वेसी थी और ऐसा कोई मेजर उन्होंने राइट ऑफ या ऐसा कोई बड़ा लॉस कभी भी पोस्ट नहीं किया है। दैट इज वन पॉजिटिव साइन। तो एक वर्स्ट सिनेरियो हमने देख चुके हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस के अंदर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट शेयर की वृद्धि हो रही है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन की बात करें तो वहां पे भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर पीयर्स। और नए प्रोडक्ट इनोवेशन में भी एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी काफी प्रोडक्ट्स में फर्स्ट मूवर है, स्पेशली प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और एक चीज में कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इट्स वेरी इजी टू पेंसिल इन 15% ऑफ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ। उसका रीजन यही है कि अभी भी इंडिया के अंदर हम देखने जाए तो प्रोटेक्शन गैप इज एट अ वेरी हाई लेवल। तो उस लिहाज से इट्स बेटर टू गो विद द फ्रंट लाइन नेम्स, नेम्स लाइक एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है। ये दो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में हमारे पसंदीदा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक रहेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं संजीव भसीनी से। गुड मॉर्निंग संजीव जी, आपको दो चीजों के लिए याद कर रहे थे आज मैं और अजय सुबह। पहली बात तो बाजार में जो एक तेजी दिख रही है 1750 के ऊपर, और साथ ही आपके एक बेहतरीन कॉल जेपी एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को, और काश मैं आज मुंबई में होता और आपके साथ मैच देख लेता। तो नीली टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि दिल्ली में ठंड है, लेकिन क्या वाह हो रही है और क्या मैच होएगा आज। और आपको साहब ने सही फरमाया, आपको कहा था दिवाली के एक दो दिन बाद 1900 आया ही आया। और देखिए कभी मुंह से निकलती है तो सरस्वती, आज अगर आ गया 1750, अब तो मंदी वाले, आपको मंडे को भी कहा था मंदी वालों के, देखना क्या हाल होना है सोमवार बुधवार को। आज गैप अप खुलेगा और गैप अप रहेगा, कोई कारण नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स, रुपी, डॉलर, ऑयल और साथ में रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नरस्टोन है। लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस जो था वो अब स्टार्ट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया व्हिच शुड ड्राइव द इंडेक्सेस हायर। हाउएवर जो आपको दिख ही रहा है, द ब्रॉडर मार्केट इज वेयर द मनी इज बीइंग मेड, बट आई थिंक देयर विल बी अ ट्रांजिशन फेज जहां लार्ज कैप विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। बैंक निफ्टी इज समथिंग विच कैन हिट अ न्यू हाई, तो यहां से मुझे 2500 पॉइंट की तेजी दिखती है बैंक निफ्टी में बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, और वो मैं कहूंगा एज एन इंडेक्स मस्ट बी बॉट। जेपी एसोसिएट थैंक यू, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, जेपी पावर भी आपको 8.5 कहा था, वो भी 15 हो गया। अब ये पेनी स्टॉक्स इसलिए नहीं होते, इनमें वैल्यू होती है। 8 रुपए पे सुजलॉन पसंद नहीं था, 38 रुपए पे बहुत अच्छा है। 8 रुपए पे वोडाफोन पसंद नहीं था, 13 रुपए में अच्छा है। लेकिन भाव भाव के साथ आपको वैल्यूएशन भी देखनी है और अंडरलाइन चेंज इन एनवायरमेंट। मैं अभी भी सोचता हूँ द नेक्स्ट वोडाफोन, नेक्स्ट सुजलॉन विल बी वोडाफोन, और इसकी री रेटिंग इज इमिनेंट वंस यू गेट some sort of balance sheet clearance and the promoter and some external players put in, capital into the company. शानदार, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें बदल गई हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गई, यूएस मार्केट में तेजी हो रही है, लोग 2.5% 250 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात कर रहे हैं यूएस में अगले साल, तो भारत को तो इसका सारा फायदा मिलेगा। लेकिन गिरते बाजार में पैनिक के माहौल में आपको सिर्फ भसीन साहब हाथ पकड़ के माल दिलवा सकते हैं, क्योंकि माल नहीं है तो ताल नहीं है, क्या फायदा इतनी सब तेजी होने का अगर माल ही नहीं है जेब में। ये बताइए भसीन साहब, आपने जेपी एसोसिएट करवा दिया तेजी, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने संदेह किया, जेब आपका सुजलॉन ने भी यही हुआ, कुछ ने लिया कुछ ने संदेह किया, आपके वोडाफोन कॉल के पीछे तो लोग हाथ धो के पड़ जाएंगे अब, क्योंकि जो मिस कर गए उन दोनों में। इसके अलावा मिड टू लार्ज कुछ और नाम अगर आप शेयर कर सकें, बाजार में तो तेजी का माहौल है पोजिशनली खेलने के लिए 2-4 महीने के लिए, तो क्या लेंगे? नहीं अजय, ऐसा कुछ अगर निकलेगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, वोडाफोन मैंने डिस्क्लोजर भी दिया है, आपको रीजनिंग भी दी है, और मुझे अभी भी लगता है कि वोडाफोन विल बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा समय दीजिए, आरपूज आर स्ट्रॉन्ग, 42% उनका एबिटा आया एंड सो ऑन, बट लेट्स वेट फॉर द इवेंट। जैसे आपको कहा था, जब आइडिया आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे को पता है, मेरे को जेपी के ऊपर काफी टाइम, यू नो, थोड़ा सा आपको पेशेंट भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये अभी मैं लार्ज कैप पे बेट करूंगा। मैं फिर कहता हूँ, बजाज फाइनेंस ने 9000 करोड़ रुपया चुप से उठा दिया है बाजार से,
15% मैनेजमेंट ने वारंट इश्यू किए हैं 7670 एट अ प्रीमियम, जो 18 महीने में कन्वर्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस देने के लिए 15% उन्होंने इक्विटी में अपने आप डाला है। 9000 करोड़ की 5 टाइम बोरोइंग लगा दो, 50,000 करोड़ की बुक बनती है, जिसपे 10% यील्ड। आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। लार्ज कैप में एक स्टॉक जो मुझे यू मस्ट बाय इन दिस एट दिस टाइम इज बजाज फाइनेंस। अगले 6 मंथ्स में ये 15-20% आपको दे के ही रहेगा, और ये एक आध दिन में जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने 7270 रुपए अलॉटमेंट किया है, वो 100-125 रुपए या 2-2.5% की प्रीमियम पे निकल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म मुझे ये 8000 का भाव दिखता है। सेकेंड, पावर सेक्टर में री रेटिंग हो गई, लेकिन टाटा पावर कहीं भी नहीं गया। मेरे को ये शेयर बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज BHEL फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड द यू नो होल रिजीम ऑफ ईवी स्टेशन। टाटा पावर इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉर ग्रीन एनर्जी, फॉर ईवीज, एंड जो उनका ओडिशा डिस्कॉम है, इन अनदर क्वार्टर विल टर्न पॉजिटिव। तो मुझे कोई दो राय नहीं, फ्रॉम मुंद्रा टू देयर अदर स्टेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टाटा पावर, एंड मुझे 350 का भाव दिखता है। दिस इज वन, दीज आर टू लार्ज कैप स्टॉक्स और मीडियम टर्म विच यू शुड ओन इन अ पोर्टफोलियो, और मुझे लगता है इनकी इनकी यहां से अगले 6 मंथ्स में री रेटिंग और आउट परफॉर्मेंस आपको पैसा बना कर देगी। दो बड़े लार्ज कैप्स जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, टाटा पावर और बजाज फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए संजीव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रियंका, आपने मन्नापुरम के बारे में बात की अभी तक? नहीं, आप करिए। मन्नापुरम के रिजल्ट तो अच्छे आई है, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा उसके अंदर कॉमेंट्री बहुत अच्छी आई है। मन्नापुरम आपका गोल्ड लोन में है, सब जानते हैं। ये देखिए, बंद होते होते तक भी एक स्पाइक आया था, और अब मन्नापुरम में भी 160 के टारगेट्स आना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, जरा लंबा चार्ट एक बार लेके आइए, तो मैं सोनी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मन्नापुरम। मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट आपके सामने, अगर आप देखें तो 6 महीने से एक रेंज में, एक बैंड में रुका हुआ है। 154-155 पे आके टॉप पे रेजिस्टेंस लेता है, और नीचे 120-125 के आसपास कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट बना हुआ है। क्या ये बैंड को क्रॉस करने के लिए तैयार है सोनी मन्नापुरम? जी अजय जी, डेफिनेटली अगर हम पोजिशनली की चार्ट्स को देखेंगे तो 155 का जो उसका अपर रेजिस्टेंस बैंड है, 155-160, सो उसको क्रॉस करने के लिए अभी तैयार है। और इनफैक्ट आज के ही ट्रेड में उसको एक पहला सिग्नल मिल जाएगा अगर 145 के ऊपर क्लोजिंग भी देता है। सो इसी लेवल से आज से शायद शुरुआत होगी, और 155-160 को पहले टेस्ट करेगा, उसको रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए देन वी कैन सी लेवल्स ऑफ 185 प्लस। सो शायद पोजिशनल रहेगा, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स का एक प्ले रहेगा। नीचे के साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 130 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बेस बन गया है। सो उसको ही बेस पकड़ते हुए आप यहां से पोजिशनल प्ले के लिए देख सकते हैं फॉर हायर लेवल्स। आईसीआईसीआई बैंक भी उसका बेनिफिशियरी है, क्योंकि 20 करोड़ शेयर आईसीआईसीआई बैंक के पास आएंगे जेपी के, जो चले हैं बाय द वे, और अपना लोन जो कर्ज है वो मुक्त कर सकते हैं। उसको बाजार में बेचेंगे, या तो इस भाव में बेचें या बाद में बेचें, जो भी है वो एक ऑलमोस्ट एक रिसीवेबल और राइट बैक जैसी चीज़ आईसीआईसीआई बैंक के लिए बनती है। 19 करोड़ शेयर, तो ये एक तो जेपी ग्रुप रीरेट हो रहा है, शायद और भी चले यहाँ से, प्लस इनके पास कैश करेंसी आ गई जो बेच के अपना पैसा चुका सकते हैं। तो जतिन गिडिया, आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू बन रहा है इस भाव से? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि एक शार्प रन अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 930 से लेकर 950। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो बैंक निफ्टी में पुल बैक आएगा वो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ में उसको लीड कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें लॉन्ग साइड का एक ट्रेड जरूर बनता है। 970 से लेकर 980 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड मेरे को लगता है करंट लेवल से, और इसमें हमें एक जो सपोर्ट आ रहा है वो 920 के करीब आ रहे हैं, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है करंट लेवल्स पे लॉन्ग जाने के लिए इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। इधर पहले हम जेपी एसोसिएट्स की बात बोल रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने टर्न अराउंड किया, जैसे एससीसी है वो खार्ड कर रहा है। उसी कड़ी में मैं आपको थोड़े सालों पीछे लेके चलता हूँ, और आपको ध्यान होगा अनिल अंबानी के शेयर्स काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ करते थे, अब वो ऐसी जगह पर आ गए हैं कि उसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं होती है। लेकिन एक शेयर जिसने अपनी तस्वीर धीरे धीरे बदल रहा है, उस शेयर का नाम है आर पावर, यानी कि रिलायंस पावर।
आप एक बार जरा मेरी वाली स्क्रीन दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइएगा, मैं आपको उसके अंदर एक चीज़ नोटिस कराता हूँ, बाद में जरा जैसे एक व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट इसके अंदर ड्रॉ किए हैं। अगर मैं चार्ट को बहुत पीछे भी ले जाऊं तो 2011 के बाद से यह पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है 2022-23 के बाद, 23 के इनफैक्ट मिडिल में, कि जब ये फिर से 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आया, स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास। क्या एक टर्न राउंड वाला स्टॉक बनने जा रहा है, क्या एक मोमेंटम वाला शेयर बनेगा, ये एक बार जरा ये पता कर लेते हैं। जय, एक बार जरा इस शेयर के बारे में आप बताइए। आर पावर, मैं लेके रख के छोड़ दूंगा और मेरे को कम से कम 30-40% का रिटर्न चाहिए। तो डिम्पी जी, आर पावर को हम देखे तो पहले काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक था, लोग बहुत ट्रेड करते थे। अभी भी मुझे लग रहा है वीकली और मंथली चार्ट पर ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है, और कंसोलिडेशन जो था बहुत सालों का उसके ऊपर आज ट्रेड करने का ट्राई कर रहा है। मंथली चार्ट पर देखे तो 34 डे, 50 डे और जो 21 डे ईएमएस को ब्रेक करके ऊपर के लेवल पर जा रहा है, प्लस 100 डे मूविंग एवरेज जो 31 के वहां पर है उसको टच करने का डेफिनेटली ट्राई करेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं, अगर करना हो तो। रिस्की है, डेफिनेटली बहुत रिस्की है, हायर रिटर्न हाई रिस्क स्टॉक वाला है। सो 31 वुड बी अ टारगेट किसी को यहाँ से लेना हो तो, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 18 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं 31 के टारगेट के लिए। सो आर पावर पेनी स्टॉक है, कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना होगा। ओके, ठीक है। एक खबर और है जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि डाबर या डाबर मिस मोहित बर्मन, इनके इनमें ऐसा क्या हो रहा है कि आज खबर आई है और सब लोग इसको जरा समझना चाहते हैं, उन कंपनीज की तरफ से बयान आया है। इस पूरी खबर को एक बार जरा अजय से समझने की कोशिश करते हैं। अजय, पूरा एक तो माजरा बताइएगा कि पूरा मामला क्या है, फिर मैनेजमेंट को ये बयान क्यों देना पड़ा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ जरा विस्तार से बताइए और इस स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है जरा ये भी समझाइएगा। देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें निकल के आ रही हैं। ये हमने एक्सक्लूसिव ETNow स्वदेश के व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं, क्योंकि मैंने खुद डाबर के मोहित बर्मन से काफ़ी क्लोज बात की। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने खारिज किए ये सारे मामले कि वो जानते तक नहीं है। महादेव ऐप के जो जो ओनर्स हैं उनका नाम जो है डाला जा रहा है, इसमें खींचा जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने खारिज किया है और उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी इस बात की बना के दी है। दूसरा, डाबर को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि डाबर एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, और अगर इसकी वजह से डाबर को कुछ इम्पैक्ट होता है तो आपको देखना चाहिए स्टॉक की तरफ, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को, मोहित बर्मन एंड फैमिली ओनर्स हैं, उनका डे टू डे में कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो ये कहा, और उन्होंने पहली बार हमें सफाई दी है इस कंट्रोवर्सी के बाद। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने आगे ये बात बोली है कि ये मैटर एक्चुअली क्योंकि वो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को ओवरटेक करना चाहते हैं। आपको पता होगा रेलिगेयर का स्टॉक प्राइस दिखाइए डॉक्टर साहब, पिछले छः महीने में कैसे 270 वाला एक बार नीचे आके 220 पे आ गया है। तो उन्होंने ऊपर ऑफर दिया है 235 पे, जो कि सेबी डिटरमिन्ड प्राइस से भी थोड़ा ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो करंट मैनेजमेंट है वो उसमें रोड़े डालना चाहता है, और कुछ लोग ये मेलिशियस फैला के ताकि वो फिट एंड प्रॉपर नहीं रहे, मैनेजमेंट ओवरटेक नहीं कर पाए रेलिगेयर को। ये उन्होंने इस बात का खंडन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हम कंपनी को टेक ओवर करके उसे टर्न अराउंड करना चाहते हैं, उसमें पैसा डालेंगे, सारे कारोबारों को बढ़ाएंगे रेलिगेयर के, और बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में है। लेकिन करंट मैनेजमेंट चाहता है कि वो ओवरटेक ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम क्वाइट सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि जब हमने ओपन ऑफर लॉन्च किया उसके नेक्स्ट डे करंट मैनेजमेंट ने एक्सचेंजेस पे वेलकम किया हमारा आना, लेकिन फिर दोनों के बीच में मतभेद आ गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो मतभेद को बैठ के सुलझाना चाहते हैं ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो, यहाँ से वैल्यू क्रिएट हो। तो डीप वैल्यू है अभी। इनफैक्ट हमारे साथ पार्थिव है। पार्थिव, आपने इस पूरे मैटर को देखा है, आप कैसे देखते हैं जो कॉमेंट्री हम लेके आए, बड़ी बातें मोहित बर्मन की कॉमेंट्री, आप कैसे देखते हैं रेलिगेयर पे इम्पैक्ट? सी, ये डेफिनेटली एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज जब बर्मन फैमिली ऑन बोर्ड आया था और जो प्रोफेशनली मैनेज सीईओ जो नियुक्त किए गए थे, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये एक स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ टर्न अराउंड स्टोरी हो, और जिस तरह का बर्मन फैमिली का कैपिटल इन्फ्यूजन का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो दे कुड हैव डेफिनेटली इन्फ्यूज अ लॉट मोर कैपिटल। लेकिन अभी जिस तरह का इंटरव्यूज चल रहे हैं और जिसमें बर्मन फैमिली बता रहे हैं कि नाउ
the new CEO, she has gone kind of against the board of Burman family. So, ye log pata rahe ke we are working like professionals aur hume ek smooth transition hi karna hai. So, let us wait and watch. Ye development definitely negative hai aur ek bahut bada speed breaker hai in terms of the turnaround story jo Religare Enterprise ke liye hum soch rahe the. Abhi bhi Care jo unka subsidiary hai uska IPO pending hai aur uske IPO se bhi kafi capital cushioning milne wali thi Religare Enterprise ko. To ye thoda delay ho sakta hai. Zyada correction aata hai to mujhe lagta hai high risk high reward type ke investors isme ruchi le sakte hai because already backing hai Burman family ki which will give a good capital cushioning for the downside protection in this stock. ठीक है तो पार्थिव ने भी यहाँ पे अपना एक टेक रखा और अजय ने अच्छे से पूरी बात को बता भी दिया कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है और ये मामला कहीं रैली गियर महादेव ऐप दो तीन चीज़ें ऐसी थी बीच में जिसको लेकर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया और सारी सारी बात स्पष्ट रूप से रखी है. हम तो सिर्फ शेयर के बारे में उसमें क्या हो रहा है मैनेजमेंट ने क्या बोला है उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं. इसके अलावा हमारा कि शेयर को चलाना है या ये शेयर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा इसके बारे में कोई ओवरटेक नहीं है. वो सिर्फ एक्सपर्ट ही हमको बता पा रहे हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए. इसलिए टेक्निकल व्यू लेना भी ज़रूरी है. एक काम करते हैं सोनी के पास चलते हैं और सोनी से ज़रा आइडिया और ले लेते हैं. सोनी ज़रा डाबर के बारे में आज चेक कीजिएगा. इंडिकेटिव टिक के हिसाब से हल्का कमज़ोर खुलेगा ये जी. डीपी जी डाबर में अगर मैं देख रही हूँ तो 540 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है एंड चार्ट्स में ऐसा कुछ संकेत है इसमें दिख नहीं रहा है कि जहां से ये ब्रेकआउट दे सकता है. थोड़ा रेजिस्टेंस पे इसको सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं यानी कि 540 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप सेल भी कर सकते हैं या और करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो नीचे में अगर ब्रेक करता है और अराउंड 525 को तो इसमें और भी वीकनेस नजर आएगी तो 515 तक जाने के चांसेस बन जाएंगे. सो थोड़ा इसमें कॉशन ट्रेड कीजिए. लॉन्ग्स के लिए अगर कोई ओपन है तो इसको हेज कर दीजिए या तो फिर इसको सेलिंग के साइड में ज्यादा भी देखना चाहिए. 515 को ब्रेक करते इसमें और वीकनेस नजर आ जाए. ठीक है हालांकि क्लेरिफिकेशन आ चुकी है इसलिए शेयर के अंदर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी कम से कम आज का पूरा दिन दे देना चाहिए डाबर को इस खबर के साथ सेटल होने के लिए. कल का कल देखेंगे या फिर आगे प्राइस के हिसाब से फैसला लेंगे. खैर आगे बढ़ते हैं. अब शरद मेरे से योगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आपको नवरत्न शेयर बताने जा रहे हैं. शरद बताएं. जी बिल्कुल अर्निंग स्पेसिफिक जो है ग्रासिम फोकस में रहेगा. लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं लेकिन जो उनकी कॉस्टिक सोडा की बिजनेस है वहां पे इंपैक्ट देखने मिला क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस में भी गिरावट आई है. इसके कारण जो है स्टैंड अलोन बिजनेस के नंबर्स में इंपैक्ट आया है. दूसरा स्टॉक रहेगा NMDC. Q2 नंबर्स वीक आए हैं. रियलाइजेशंस ले लीजिए वॉल्यूम्स ले लीजिए दोनों लोअर साइड पे आए हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है. तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स और इसलिए रहेगा क्योंकि टाटा टेक जो उनकी सब्सिडरी है उन्होंने RHP फाइल कर दिया है सेबी के साथ और ये IPO में लगभग 6 करोड़ शेयर्स ऑफर पे रहेंगे जहां पे टाटा मोटर्स 4.6 करोड़ शेयर्स बेचेंगे. और याद रखिए जो IPO जो है वो November 22nd को खुलेगा. चौथा स्टॉक रहेगा JP एसोसिएट्स एंड ऑफकोर्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग का थीम है इस पर फोकस रहेगा और लगभग 19 करोड़ शेयर्स जो उनकी ट्रस्ट है वो जो है ट्रांसफर करने वाले ICICI बैंक को जहां पे डेट रिडक्शन होगा. पांचवा स्टॉक रहेगा ऑफकोर्स सुजलॉन एनर्जी पिक कर रहे हैं. यहां पे MSCI एडिशंस की जो है लिस्ट आ गई है एंड यहां पे जो है IIFL एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी का $241 मिलियन का इन्फ्लोज देखने मिल सकता है. हालांकि जो एडजस्टमेंट होगा वो November 30th को सेकेंड हाफ में होगा. सिक्स स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंपॉर्टेंट कॉन कॉल टेकअवेज आए हैं जहां पे कंपनी ने अपनी थर्ड ट्रांच की रीपेमेंट की है रिजर्व अमाउंट की लेंडर्स को लगभग 314 करोड़ का. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेज टू लोन्स होती है उसके जो नंबर्स आए हैं जो एसेट क्वालिटी वो जो है सबसे बेस्ट देखने मिला है पिछले 12 क्वार्टर में. तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा. सातवां स्टॉक रहेगा वॉकहार्ड और यहाँ पे अर्निंग्स में देखें तो टर्न अराउंड स्टोरी जो कह रहे हैं एनालिस्ट उस पर फोकस करते हैं. यहाँ पे रेवेन्यू में भी अच्छी जंप आई है. एबिडा में 70% का ग्रोथ आया है और जो टोटल लॉसेज हैं वो लास्ट ईयर जो था आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 190 करोड़ का था वो घट के 77 करोड़ हो गया है. आठवां स्टॉक जो कि है बिग बोल्ड ब्रोकरेज वो रहने वाला है NLC इंडिया फोकस में. BNK ने कहा इनिशिएट किया है टारगेट प्राइस 200 रुपीज़ पर शेयर रखा है. वो एक्सपेक्ट करें कि जो ROE नंबर्स हैं वो 18% से ज़्यादा FY 2026 तक हो जाएं और जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें बढ़ोतरी लगभग 30% का देखने मिल सकता है.
आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो खबरों वाले दम पे शेयर रहे वो है काइंस टेकर। यहाँ पे जो है बज है इंडस्ट्री में कि जो ऑलरेडी अनाउंस्ड फंड रेजिंग है, ये फंड रेजिंग जो है उनके सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए होने वाली है, और ये जो ओसैट बिजनेस जिसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर का, वो ऑलरेडी जो है दो स्टेट्स तेलंगाना और कर्नाटक के साथ उन्होंने करार ऑलरेडी साइन कर दिया है, और जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो 18 नवंबर को होगी। तो ये सारे 9 स्टॉक्स जो हैं आपके आज रडार में होने चाहिए। क्या बात है, ठीक है, सारे स्टॉक्स हम रडार में रखेंगे। और आपने ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स तो आपने जो अर्निंग्स में ब्रोकिंग हाउस से लिए, और साथ ही खबरों वाले केन्स टेक्नोलॉजी में आप खबर बता रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेकर कैपिटल भी रेज कर सकते हैं। शुक्रिया सारे स्टॉक्स बताने के लिए, पॉसिबल ट्रेड्स हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार चलें केन्स टेक पर ही फिर एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रेंथ के साथ चला है, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के अपग्रेड्स भी आए हैं। अब ये जो खबर आ रही है कि ये फंड भी रेस कर सकते हैं और 18 नवंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग भी बोर्ड बैठक भी होनी है, इस पर अभी चार्ट्स में स्ट्रेंथ कितनी दिख रही है एक बार सोनी से समझते हैं। सोनी, बहुत बड़ा रनअप दिखाया है स्टॉक ने, कितनी और स्ट्रीम अपसाइड और बाकी लगता है, क्या होल्ड करके रखें जिन्होंने एटलीस्ट इस खबर से तो और मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ दिख सकता है? प्रियंका जी, अगर कोई लो लेवल से इसको होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ट्रेल कर ले अपना स्टॉप लॉस 2420 के अराउंड। पोजिशनली अच्छा तो लग रहा है, बट एक डिप भी नजर आ सकता है अराउंड 2450-2440। तो अगर ये डिप मिलता है तो खरीद डेफिनेटली यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, डिप्स में खरीदना बेहतर रहेगा। और ऊपर का जो टारगेट रहेगा पोजिशनल अगेन वो 2650 प्लस रह सकता है। सो वो पोजिशनल रहेगा, जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं ट्रेल कर ले अपनी स्टॉप लॉस, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले एंड देन उसको होल्ड कीजिए फॉर 2650 प्लस टारगेट्स पोजिशनल। 100 प्लस के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। MSCI के जो इन्फ्लोज आने हैं उनसे कौन कौन से स्टॉक्स पे फर्क पड़ सकता है? खबर ऐसी भी है कि इंडसइंड बैंक में लगभग $300 मिलियन तक का इन्फ्लो इंक्लूजन है पॉसिबल है, और अगर आज बॉन्ड यील्ड जैसे सॉफ्ट हुई हैं, हमारे पास एक गैप अप है, बैंक्स अच्छा चल सकते हैं, तो क्या इंडसइंड बैंक पे एक बेट करना चाहिए? 2% तो आपको प्री ओपन में दिखाई रहा है, क्या यहाँ से आप जय इंडसइंड बैंक पर बेट करेंगे आज? Yes, Blend Bank, मेरा टारगेट भी है, नेक्स्ट दिवाली तक भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अगर 6 महीने का व्यू रखे तो भी मुझे लग रहा है अराउंड 1650 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, 1520 एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करने के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है तो ये स्टॉक डेफिनेटली मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को। चार्टिकली ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया था ऑलरेडी और कभी अभी तक सस्टेन कर रहा है, 1450 तक के जो लेवल्स है उसको सपोर्ट कर लेके अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आई वुड से ये स्टॉक में बाय डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए 1650 या 1700 तक के टारगेट के लिए, ये स्टॉक में अराउंड पोजिशनली ट्रेड लेना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड आप तो खैर लंबे नजरिए के लिए आप इसमें निवेश की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आज लगभग 1.5% की तेजी, 2% की तेजी आप प्री ओपन में देख रहे हैं, मार्केट बस खुलने ही वाला है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो मोमेंटम दिख रहा है कितना सस्टेन होगा। कमोडिटी मार्केट्स भी खुल गए हैं और विश्वा हमारे साथ है बताने के लिए वहाँ किस तरह के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन रही है। विश्वा, देखिए कल छुट्टी का दिन था लेकिन इवनिंग सत्र में नॉन एग्री मार्केट में ट्रेडिंग हुई थी MCX पर, और वहाँ पर जबरदस्त तेजी दिखी थी सोने और चांदी में। चांदी तो 1731 रुपये और करीब करीब 250 रुपये की तेजी दिखी थी सोने में। आज की बात करें तो आज भी वही तेजी बरकरार है, करीब 130 रुपये की तेजी फिलहाल गोल्ड में दिख रही है, चांदी 200 रुपये से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। जो महंगाई के नंबर थे बाजार के अनुमान से काफ़ी कम आए थे US में, उसका फायदा यहाँ पर मिला है। बॉन्ड यील्ड में तेजी से गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स में कल बड़ी गिरावट आई थी, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आ चुका है, तो उसका फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है। कच्चे तेल की बात करें यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है लेकिन नेचुरल गैस यहाँ पर दबाव है। बेस मेटल्स में एकमात्र काउंटर है जहाँ पर आज दबाव है वो है लेड है, बाकी काउंटर्स में हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, यानी पूरे MCX में सिर्फ लेड और नेचुरल गैस जहाँ पर दबाव दिख रहा है। अब जाते जाते आपको 3 कॉल्स बता देता हूँ कि आज क्या करना चाहिए आपको। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर बाइंग की सलाह आ रही है, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको लगता है कि गोल्ड की तेजी बरकरार रहेगी और 60,550 रुपए तक आज दिन के दौरान ही गोल्ड जा सकता है। चांदी की बात करें तो चांदी भी उन्हें लगता है कि 72,300 तक आज जा सकते हैं, लेकिन कच्चा तेल ये तेजी उनको टिकती नहीं दिख रही है। दिन के लिए बिकवाली की सलाह है, नीचे का टारगेट है 6,430 का। जी ठीक है विश्वमान, ये पहले हमको थोड़ा गाइड करने के लिए, अभी मार्केट्स खुली नहीं है लेकिन जैसे मार्केट खुलेगी तो आप हमको फिर से बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे सौदे प्लस करने हैं,
खैर इस बीच बाजार खुलने में सिर्फ एक मिनट का समय रह गया। पहले मैं आपको जरा निफ्टी दिखाता हूँ कि निफ्टी आज किस लेवल पे आके खुल रही है। करीब 207 पॉइंट ऊपर फ्रीज हुआ है निफ्टी, और ये अच्छा पॉइंट है, गैप वालों को खूब इंजॉय करना चाहिए। 19600 के ऊपर खुल रहा है और 527 पॉइंट है सेंसेक्स। तो हमारे पास जो 450 तक का भी रेजिस्टेंस था वो सब एक झटके में गैप के साथ ऊपर खुल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी काम आएगा ये। इसके अलावा जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं जहाँ पर आज स्ट्रेंथ दिखेगी, उसमें दिखेगा कोल इंडिया ऊपर। आपको थोड़े मेटल्स वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक दो दिन से बारे में इसकी जिक्र कर रहा हूँ। आज जतिन केडिया ने भी आपको एक मेटल कंपनी दी है, JSW स्टील। असल में इसका सरोकार चाइना से भी है, ये भी आज ठीक होगा। हिंडाल्को के अलावा एक एक्सिस बैंक है और इंडसइंड बैंक है, जिसके बारे में मैं आपको नोटिस करवा रहा था, ये शेयर भी आज शुरुआत में पॉजिटिव खुल रहे हैं। इंडसइंड बैंक तो बकायदा अपने साल के हाई पर है। इसके अलावा बजाज ऑटो, कोल इंडिया, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ ओपनिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। कैश वाले शेयर्स में मणप्पुरम आज जबरदस्त गैप के साथ खुल रहा है, करीब 9% का गैप है मणप्पुरम में। नारायण हृदयालय भी गैप के साथ खुल रहा है, कैंप्स भी आज गैप के साथ खुल रहा है, सुजलॉन भी आज गैप के साथ खुल रहा है, नेटको फार्मा भी आज गैप के साथ खुल रहा है, ट्राइडेंट भी पोस्ट नंबर्स गैप के साथ खुल रहा है। तो ये सारे शेयर्स आज आपको ओपनिंग में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दे रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस में हैं, जब करीब 150-200 पॉइंट की तेज़ी आपको दिखे और करीब 1500 शेयर एडवांसेस में दिखे, ये बस मेंटेन होना चाहिए। अब आप देखेंगे एक पॉइंट और, 19500 पार तो हो गया, लेकिन उसके बाद की जो स्टीम है ना वो आपको चेक करनी है, और मेरे हिसाब से वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी आज। दूसरी बात है बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक अब 44,200-300 वाली रेंज को भी पहले पार नहीं कर रहा है। एक्चुअली में फ्यूचर्स तो पहले ही 44,000 के थे, अगर आप स्पॉट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो 350 पॉइंट के ऊपर है, इसको 44,300 पार हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा अभी और रुकिए, थोड़ा और स्ट्रेंथ आने दीजिए, ये पोस्ट शॉर्ट कवरिंग और आने दीजिए, उसके बाद फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको जल्दी पैसा बन के मार्केट से निकलेंगे, नहीं तो फिर वेट भी करना पड़ सकता है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज की शुरुआती गेन कहां कहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कोल इंडिया शुरुआत में मजबूत है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक मजबूत शेयर आपको शुरुआत में ओपनिंग होते हुए दिख रही है। आज आपको निफ्टी के ज़्यादातर 50 में से करीब करीब 48 शेयर ऐसे हैं जो कि आपको मजबूती के साथ ओपनिंग करते दिख रहे हैं। 160 पॉइंट की बढ़त अब आपको दिख रही होगी, 19600 के ऊपर आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 200 शेयर और जुड़ गए हैं, पहले 1500 थे अब 1700 हैं, जबकि डिक्लाइंस उतने के उतने हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा और रुक जाइए। अभी बैंक निफ्टी भी देखो 44,300 को पार करने की अटेम्प्ट ले रहा है, ये एक बार कर जाए ना दोनों चीज़ें फिर आपके काफ़ी काम आएंगे। मणप्पुरम स्क्रीन पर एक बार आप दिखा सकते हैं, 7.5-8% की एक शानदार मजबूती। कुछ स्टील वाली कंपनीज के अंदर भी मजबूती है, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये सब बढ़कर चल रहे हैं। आज एक रुका हुआ सेक्टर है जो मेरे लिस्ट में मेरे को नोटिस हो रहा है, वो है इन्फोसिस या TCS या फिर टेक महिंद्रा, यानी कि IT कंपनीज, आप इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले शेयर्स हैं। आज बैंकिंग और IT का कॉम्बो अच्छा है, ये जिस दिन दोनों एक साथ चलते हैं ना तो उस दिन काफ़ी काम आता है। एक बार आपको ना जरा डाबर भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, और वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज उसमें खबर है, एक दिन चाहिए इसको पूरा सेटल होने के लिए, भले मैनेजमेंट कुछ भी क्यों ना कहे, तो वो सेटल होने के लिए समय चाहिए। 1-1.5% तक की गिरावट है, शुरुआत में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हीट मैप अब स्क्रीन पर आएगा, आप देख रहे होंगे ऊपर दो तो IT कंपनी है, फिर एक मेटल वाली कंपनी है, दो मेटल वाली कंपनीज होंगे, ठीक। बजाज ग्रुप के बारे में भसीन सब आपको ऑलरेडी बता के गए हैं। बैंकिंग में HDFC और एक्सेस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो स्क्रीन में जहाँ जहाँ से आपको उम्मीद थी ना कि ये चीज़ें चलेंगी तो हमको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो अब गैप वाले दिन चल रही हैं। IT गैप वाले दिन चला, मेटल गैप वाले दिन चला, बैंकिंग के कुछ रुके हुए शेयर्स गैप वाले दिन चले, तो ये अच्छा साइन है कि जो रुके हुए शेयर्स हैं वो वैसे अपने आप से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो धक्का स्टार्ट होके आज स्टार्ट हुए हैं, यानी कि गैप के साथ वो स्टार्ट हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये आज टिका रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, बट फिर भी उम्मीद आप रख सकते हैं। प्रियंका के बाद चलते हैं और मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे और जरा ओपनिंग मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। देखिए मिड कैप ओपनिंग में आप जितने भी PSU बैंक्स है ना, स्टेट PSU बैंक्स, उसमें खबर भी है कि गवर्नमेंट अपना ऑफलोड कर सकती है कुछ स्टेक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब में देखें तो आपको 2-3% तक की तेजी दिख रही है। इसके अलावा
पीएफसी जैसे काउंटर्स जो सोमवार को भी अच्छे खासे तेज थे उनमें पावर काउंटर्स में आपको तेजी दिख रही है, आरएसई फिर से आज 2% तेज दिख रहा है, मिड कैप का टॉप गेनर्स वक्त ट्राइडेंट है, इसके भी नंबर्स आए, मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छा था, 7% इस वक्त बड़ा गेनर है आपको यहाँ दिख रहा है। साथ ही दूसरे जो थोड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और अरबिंदो फार्मा फ्लैट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि काउंटर्स चले थे और अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर पाथलैब जैसे, फोर्टिस हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर हो, सन टीवी जैसे काउंटर्स हो, इमामी जैसे काउंटर्स हो, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको मिड कैप में देखने को मिल रही है। एक बार क्विकली स्मॉल कैप पे भी देखते हैं कि वहाँ किस तरह का मूव दिख रहा है, जितने भी सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में वहाँ पर भी तेजी है और मन्नापुरम फाइनेंस 8% की तेजी वहाँ दिख रही है, सुजलॉन नद्दर 4.5%, एनएलसी 3% और वेल्सपन इंडिया भी 3%, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी 2% की तेजी के साथ ट्रेड। जी हाँ, जहां जहां पॉजिटिव रब ऑफ है आपको वहां पे मूव्स दिख रहे हैं। आइए चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास ट्रेडिंग ओपनिंग ट्रेड्स के लिए। बताइए जय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड बैंकिंग सेक्टर के बैंक पर होगा, फेडरल बैंक 155 का लेवल अभी क्रॉस किया, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ दिख सकती है, बहुत टाइम से 155 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज वो किया, मोमेंटम है, बैंकिंग इंडेक्स में काफी स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, आरएसएफ सपोर्टिव है, वॉल्यूम है, सो काफी ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम जारी रह रहा है, 160 वुड बी ए टारगेट, एक दो दिन में ये स्टॉक में दिख सकता है, यहाँ से 5 रुपए अपसाइड आ सकता है, तो 160 वुड बी ए टारगेट ऑन फेडरल बैंक 1 से 2 दिन के लिए। सोनी, आपके ओपनिंग ट्रेड? सोनी, ओपनिंग ट्रेड आपके? जी, मेरा भी ओपनिंग ट्रेड फेडरल बैंक ही है, बिकॉज ब्रेकआउट दे दिया है, बट बिकॉज ऑलरेडी जय ने रेकमेंड कर दिए हैं फेडरल बैंक, तो एक और ट्रेड भी दे सकती हूँ, इंडियन होटल्स आप देख सकते हैं, 406 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 406 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 420 to 424। ठीक है, और गेडिया साहब, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड जुबिलेंट फूडवर्क्स में होगा, तो मेरे को लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स 500 से 510 की रेंज में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है कि आज का जो गैप अप ओपनिंग है, मेरे को लगता है उसमें कहीं ना कहीं ये जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने मिलना चाहिए, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स हमें लॉन्ग करके चलना होगा, मैं स्टॉप लॉस 500 का लगाना चाहूंगा और ऊपर में टारगेट्स 520 से लेकर 525 तक के रखना चाहूंगा। ठीक है, पार्थिव के पास आता हूं। पार्थिव, स्मॉल कैप इंक्लूजन्स की मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें कुछ मीडिया स्टॉक्स भी हैं, डीबी कॉर्प जैसे, आपने मीडिया स्टॉक्स में एक जो व्यू आया है अंडर ओन्ड से, धीरे धीरे सन टीवी पिछले हफ्ते काफी अच्छा चला, एक थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, आपको मीडिया में कहीं वैल्यू दिखती है पार्थिव? जनरली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग इनटू लोकसभा इलेक्शंस, आई थिंक मीडिया स्टॉक्स में हमेशा एक रुचि बनी रहती है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स काफी बढ़ते हैं और द क्यूरियोसिटी टू रीड न्यूज़पेपर्स, टू हियर द रेडियोस, वो काफी बढ़ता है, तो उस लिहाज से आई थिंक आने वाले 2-3 क्वार्टर्स हमें लग रहा है कि मीडिया स्टॉक्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। डीबी कॉर्प की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ट्रेल बेसिस पे 19 के पीई पे है, जो उनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के बेसिस से अगर मैं देखूँ तो इट इज एट रीजनेबली प्राइस, मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छी एक अपसाइड मिल सकती है गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर, तो डीबी कॉर्प एक स्टॉक है जो हमें अच्छा लगा। डीबी कॉर्प एमएससीआई का स्मॉल कैप इंडेक्स का पार्ट भी है, मान इंफ्रा को भी लेके आइए, वो भी स्मॉल कैप इंडेक्स एमएससीआई स्मॉल कैप का पार्ट बनाए, वहां भी 1.5% का अपमूव आपको नजर आ रहा है। सोनी, जरा मान इंफ्रा के चार्ट बताइए, क्या पॉसिबल है टारगेट? पहले 160 पे टॉप आउट किया, फिर 140 तक गया, अब रिबाउंड आया। जी डेफिनेटली, अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे मैन इंफ्रा, तो 160 का एक रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो ही इनफैक्ट अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट तो बन ही जाएगा, करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं, 146 इंट्राडे के लिए अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, बट पोजिशनल अगर हम देखेंगे तो 140 स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है, तो 140 स्टॉप लॉस के लिए आप करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं, 160-165 एक बैंड का उसका एक टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वो फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, तो उसके ऊपर 180 प्लस लेवल्स नजर आएंगे, बट पहले प्रॉफिट बुकिंग अराउंड 160-165 कर देना चाहिए। ठीक है, एक और छोटा स्टॉक है जो हमने आपको पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, वो भी एमएससीआई में इंक्लूड हुआ है और वो है फ्राइडे स्टॉक है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हुआ इंक्लूड तो चार्ट चेक बनता है, वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा बहुत सारे लिकर स्टॉक्स काफ़ी दिन से एक्टिव हैं, फेस्टिव कह लीजिए, सर्दियाँ धीरे धीरे आ रही हैं, जो भी कह लीजिए, डेज हाई पे है, 265 का भाव है इस समय, चार्ट्स पे कैसा दिखता है? जतिन, आप बताएं जरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज।
जतिन गेडिया, आपको आवाज आ रही है? देखिए टीआई इंडस्ट्रीज जो आई थिंक 3160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन 3100 एंड 3225। मेरे को लगता है कि ये दो रेंजेस के ऊपर जब तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ये साइडवेज रेंज में रह सकता है। इनफैक्ट जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो अभी अगर जो हमें 3100 से लेकर 3075 की रेंज में अगर जो डिप मिलता है तो वहां पे 20 डे एवरेज का सपोर्ट है, तो वहां पे बाय करके चलने की सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी इन द रेंज ऑफ 3075 टू 3100। ऊपर में मेरे को लगता है कि 3300 से लेकर 3375 तक ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है, इसके लिए बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। सोनी एक बार जरा बजाज ऑटो देखना, ये करीब 5500 के आसपास आ गया और वैसे देखा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई जैसे भी आप बोलना चाहे उस पर बोल सकते हैं। ये यहाँ से कितना और चलेगा या फिर एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है बजाज ऑटो? जी डिम्पी जी, यहाँ से करंट लेवल अगर देखेंगे तो और भी इसमें अप मूव स्पेस काफ़ी पेंडिंग है, अराउंड 5600 5700 यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ही आके आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। करंट लेवल से भी काफ़ी बेहतर लग रहा है बाई करने के लिए, एंड इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट या स्टॉप लॉस इसी करंट लेवल से अगर किसको प्लेस करना हो तो 5380 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। आज कुछ ऑटो कंपनीज को भी चेक करना चाहिए क्या? आइशर, M&M, ये दो ऐसे शेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है कि शुरुआत में थोड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, एक बार इन दोनों पे आपका टेक चाहिए। जय, आप देख रहे होंगे इन दोनों को, आइशर है M&M, इन दोनों में से कुछ भी एक एक प्लस करेंगे, दोनों नहीं करेंगे? तो आइशर एंड M&M, जस्ट अ सेकंड, सो M&M की बात करें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आज के दिन में थोड़ा स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया। 15 मिनट के कैंडल देखे तो जो प्रीवियस लेके हाई के वहां क्रॉस किया था उसको लेके स्टॉक चल रहा था, तो M&M वुड बी ए शॉर्टिंग टारगेट आज के लिए, थोड़ा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बट इफ ऑटो सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल मोमेंटम मुझे काफी वहां पर दिख रहा है, तो आई वुड गेस के आइशर मोटर पर मुझे बाय करने की सलाह रहेगी, M&M को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी आइशर मोटर पर, क्योंकि कल के प्रीवियस डे के जो लेवल थे उसको होल्ड करके चल रहा है अभी तक, तो काफी स्ट्रेंथ बाकी है। 3700 को क्रॉस करेगा तो मुझे लग रहा है अराउंड 3785 के लेवल आ सकते हैं आज के दिन में ही। सो आइशर मोटर काफी कंसोलिडेशन पर चलता था प्रीवियस डे की, प्रीवियस डे को देखे तो जब गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद कंटिन्यूसली सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा था, सो आइशर मोटर में मुझे लग रहा है काफी एक्यूमुलेशन चल रहा है और जब बाय आएगा 3700 के ऊपर तो 100 पॉइंट का मूव डेफिनेटली मिल जाएगा। ये आयशर मोटर्स पे ये बात रही, लेकिन आप बाजार को देखें तो 19600 के ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी 450 की से पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, और लास्ट के कुछ मिनटों में बैंक्स में और आईटी दोनों में ही तेज़ी बढ़ी है। आप LTI माइंट्री को देखें, टेक महिंद्रा को देखें, TCS जैसे काउंटर्स को देखें, सब में अच्छी खासी मूव है और ये इस वक्त 2 से 3% तक की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोई लार्ज कैप आईटी का काउंटर सोनी इस वक्त रडार पे होना चाहिए? आप नैस्डैक की मूव को भी देखें, हमने तो इतना कैचअप ही नहीं किया है आईटी में लार्ज कैप में। जी डेफिनेटली लार्ज कैप में, अभी लार्ज कैप की अगर बात करेंगे तो थोड़ा अभी मैं अवॉइड करना चाहूंगी TCS, इंफोसिस, विप्रो को लेके, थोड़ा बेहतर हो सकता है विप्रो फ्रॉम करंट लेवल्स 386 387 चल रहा है तो 400-410 तक जाने के चांसेस है, वहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस होता है एंड नीचे की तरफ सपोर्ट है अराउंड 370-375 का। सो लार्ज कैप में नॉट अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बट मिड कैप में डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे चॉइसेस है जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं लार्ज कैप आउट लार्ज कैप पीयर्स को। दूसरा स्पेस जो वॉच करना चाहिए, जो मेटल्स दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पर कि मेटल काउंटर्स में इस वक्त किस तरह की तेजी है, टाटा स्टील अब बढ़कर फिर से 123 के पास आ गया है, 2% तेजी वहां है, कोई मेटल स्टॉक, और हम देख रहे हैं NMDC जैसे नंबर्स के बाद ही वहां पर अच्छी मूव देखने को मिली, कोई और हिंडालको जैसे काउंटर्स भी, नंबर्स नोवेलिस के नंबर्स आए, हिंडालको के नंबर्स आए, वहां पर आप नंबर्स के ट्रेड तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम जो डॉलर इंडेक्स की सॉफ्टनेस का ट्रेड है वो कितना और प्ले हो सकता है? जतिन यहाँ से क्या ऐड करेंगे मेटल्स में? देखिए मेटल काउंटर मेरे को लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनिंग हुआ है अराउंड 105.5 के लेवल से कल के ट्रेडिंग सेशन में 104 तक स्लिप हुआ था, तो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में मेटल काउंटर में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मेरे को लगता है कि टाटा स्टील जो
अगेन जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मेरे को लगता है कि ये सब जो काउंटर्स है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे सपोर्ट लेके फिर से एक चलने जा रहे हैं। टाटा स्टील की अगर जो मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे लेवल से घूमा है, मेरे को लगता है एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज 116 115 के लेवल पे था, वहां से सपोर्ट लेके फिर से एक नई रैली स्टार्ट कर दी है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो 130 से लेके 132 तक का इमीडिएट अपसाइड पोटेंशियल लगता है इसमें। इसके लिए टाटा स्टील में लॉन्ग करके चलना चाहूंगा, इसमें मैं स्टॉप लॉस अराउंड 121 के रख के लॉन्ग करना चाहूंगा फॉर टारगेट ऑफ 128 to 130। ठीक है, ये आरबीएल बैंक के चार्ट को देखिए जरा सोनी पटनायक, आरबीएल बैंक में रिस्क रिवॉर्ड आपको इस भाव से कैसा दिखता है? ये आरबीएल बैंक में अगर हम देखें इंटायर सेक्टर तो अच्छा चल रहा है। आरबीएल बैंक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनफैक्ट अभी बेटर है। इंट्राडे बेसिस के लिए अगर किसको दे लाए तो 248 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, 260-65 का एक टारगेट रहेगा। पोजिशनली अगर किसको प्लेस करना तो 240 स्टॉप लॉस बैठेगा बेहतर यहाँ से, एंड एक बार 265 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसका पोजिशनल टर्म्स के लिए 280 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। सो दोनों बेसिस फॉर इंट्राडे एंड मीडियम टर्म प्लेयर्स के लिए दोनों के लिए यहाँ से ट्रेड बन रहा है। इंडसइंड बैंक सबसे कड़क बैंक स्टॉक है, ये पूरे बैंकिंग स्टॉक्स को भी रेट कट्स होके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे उनका फायदा होता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी घटेंगी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो। बैंकिंग सेक्टर पे आप नज़र बना के रखिए, 1530 1500 क्रॉस हो गया इसका लेवल। जय पटेल, क्या ये 1800 1700 के लिए एक पोजिशनल बाय है? तो डेफिनेटली मैंने अभी प्रियंका जी के साथ डिस्कस किया था, 1700 तक के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं इंडसइंड बैंक पर अगले 6 महीने के लिए, और दिवाली तक, अगले दिवाली तक भी होल्ड कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली अच्छे खासे लेवल्स ये स्टॉक पे 20 से 30% का अपमूव आते हुए ये स्टॉक पर दिख सकता है। इंडसइंड बैंक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में था, 1450 का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो बुलिशनेस काफी है। बैंकिंग सेक्टर अभी सुधरेगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न दिखेगा आते हुए, तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म डेफिनेटली ये स्टॉक कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो पोजिशनली किसी को होल्ड करना है अगले 6 महीने के लिए भी करना है तो डेफिनेटली यहाँ से 15 से 20% का मूव आ सकता है, और एक साल में मुझे लग रहा है 30% जितना मूव डेफिनेटली ये स्टॉक में दिख सकता है। ठीक है, एक दो शेयर और जरा आपको मैं नोटिस कराता हूँ जो हमने टाइम टू टाइम आपको बताए थे, 122 पे 117 पे दो बार हमने आपको गेल बताया था, आज 127 रुपये का। आप चाहें तो अपना प्रॉफिट एक राउंड का बुक भी कर सकना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा निफ्टी बैंक ऑलरेडी आपको बताया था हमने, चंबल फर्टिलाइज़र आपको 300 के नीचे कई बार नोटिस करवाया था, आज 304 है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हमने आपको 2560 के आसपास नोटिस कराया था, आज 2600 का है। ये सारे शेयर मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कई बार मैं पता कर चुका हूँ। और अब एक और काम करते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये शेयर और चलेंगे, ये और भी चल सकते हैं, हो सकता है अभी आपको कोई एनालिस्ट दे दे बालकृष्ण पे वापस चलने के लिए ट्रेड, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ। एक है RCF, हालांकि दम उतना नहीं लग रहा लेकिन सेक्टर में दम काफ़ी है, ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र वाली कंपनीज ने वापस से री रेट कर रही हैं अपने आपको। जतिन एक बार RCF चेक करना, मैं ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं रखूँगा, वॉल्यूम मेरा कम होगा, बट मैं RCF को मिस नहीं करना चाहता, यहाँ पे प्लस कर लूँगा थोड़ी बहुत पोजिशंस। देखिए RCF में रिसेंटली हमने एक डिप देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अराउंड 121 के आसपास वो डिप अभी बाय आउट हो गया है। मेरे को लगता है कि इसमें रेंज बाउंड एक्शन देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स। मेरे को लगता है कि ऊपर में 135-138 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे में मेरे को लगता है कि 119 से 121 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 10-15 रुपए के रेंज में ही ट्रेड करेगा, मेरे को इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये कोई ब्रेकआउट कैंडिडेट नहीं लगता है। ये 140 से लेकर नीचे 115 तक की रेंज में ही ट्रेड करेगा ये RCF। जय एक शेयर है एम्फेसिस नाम की कंपनी है, 2240 रुपये के आसपास चल रहा है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न आप देखोगे वीकली चार्ट्स पर आपको दिखेगा, डेली देखोगे तो आपने 200 दिनों की एवरेज आपको दिखेगी। एम्फेसिस, एम से शुरू होगा ये शेयर, जरा देख के बताइए। मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैं एक सौदा प्लस कर सकता हूँ, आप मेरे को एक स्टॉप लॉस दे दीजिए और एक टारगेट भी दे सकते हैं अगर आप भी इसी राय रखते हैं तो। ये स्टॉक की बात करें तो थोड़ा अभी मैं वेट करके जाना चाहूंगा डीपी जी, 2252 के लेवल्स को एक बार क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद बाइंग की पोजीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन काफी है मूविंग एवरेजेस का,
उसको पार करने में काफी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ से 10 रुपए, पर वो 10 रुपए थोड़े अहमियत रखते हैं। तो 2 to 5 to के बाद आई वुड बाय दिस स्टॉक। टारगेट के तौर पर थोड़ा अपसाइड मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 2450 तक के टारगेट आते हुए ये स्टॉक पे दिख रहा है। अगर किसी को स्टॉप लॉस रख के चल रहा हो तो अराउंड 2180 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। पार्थिव, ये हाल ही में लिस्टेड प्रोटीन ईगव का आपने आईपीओ देखा था क्या? परसों लिस्ट हुआ, स्टॉक 12% ऊपर बंद हुआ, आज भी 3-4% ऊपर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है, बट क्या आप हमारे व्यूअर्स के बता सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और ये 914 आज भी 4% ऊपर? एक फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल है जय, और आई वाज वेरी सरप्राइज कि जिस तरह का मार्केट में बिफोर द आईपीओ जो बस था, जो प्रीमियम चल रहा था, उस लिहाज से आई थिंक आईपीओ काफी टिपिकली लिस्ट हुआ। आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज ई गवर्नेंस का जो यूज है और जिस तरह का इनके पास डेटाबेस है और जिस तरह का एनपीएस और बाकी अन्य काफी चीजों में इनके पास एक निजी लॉकर है, आई थिंक दैट इज अ वेरी की एसेट। काफी लोगों को ऐसा लगा कि दिस इज नथिंग बट एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कंपेरिजन हुई। ये एनएसडीएल की एक सब्सिडरी कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 34 के अभी ट्रेल पी पे चल रहा है। ये कंपनी में इजीली इट इज वन कैन पेंसिल इन अ 15-18% सॉर्ट ऑफ अ कैगर ग्रोथ गोइंग अहेड। आरओईस की बात करूं तो 17% के आरओईस पे ये काम कर रही है। तो मतलब आई थिंक दिस इज अ कंपनी टू रेकन विद, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ही इंटैक्ट लग रही है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी लग रही है, इसीलिए हमने डिस्कस किया है अपने व्यूअर्स के लिए। हम प्री मार्केट प्री आईपीओ टाइम से बता रहे हैं कि इसको देखिए जरूर। ये एक यूनिक कंपनी है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, बिजनेस कंपैरिजन ही नहीं है किसी का, तो इसको एक स्केर्सिटी प्रीमियम भी मिल सकता है। तो ये हो गई बात प्रोटीन ई गव की। लेकिन ईएमएस देखिए, रिजल्ट बहुत शानदार आया, स्टॉक में तेजी, एक ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है। सोनी पटनायक, जरा ईएमएस के स्टॉक देखिए 10% ऊपर, पोजिशनली बताइएगा, क्योंकि आज तो लेने जैसा नहीं है, लेकिन ये रिबाउंड नीचे घटेगा थोड़ा, इसका 6 महीने 4 महीने का ग्राफ चार्ट दिखाई, डॉक्टर साहब किस लेवल पे बन सकता है इसके अंदर एक पोजिशनल व्यू? सोनी जी, डेफिनेटली ईएमएस में अगर पोजिशनली व्यू देखेंगे तो अच्छा ही लग रहा है, यहाँ से करंट लेवल से भी अच्छा लग रहा है। पोजिशनली अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट्स में, बहुत ज्यादा तो नहीं है कैंडल्स टू यू नो कुछ कमेंट करने के लिए, तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका बना है, एक बेस 340, बट यहाँ से काफी दूर है उस लेवल पे एंटर करने के लिए। सो अगर आपको कोई भी छोटा डिप मिल रहा है अराउंड 390-380, तो आप उसी लेवल पे एंटर कर सकते हैं। 340 स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं, एंड पोजिशनली इसका टारगेट काफी स्ट्रॉन्ग है, 480 प्लस जाने के चांसेस लग रहे हैं, अराउंड 3 to 6 months टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है, 480 तक के टारगेट आपको यहाँ दिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स देखें जो ऊपर आए हैं, और मिड कैप आईटी के कुछ काउंटर्स में एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में भी मूव दिख रही है, और ग्लेनमार्क में भी आपको मूव दिख रही है। फार्मा काउंटर्स है, ग्लेनमार्क लास्ट वीक थोड़ा सा सटल रहा, वो इसमें मूव नहीं थी इतनी। क्या आज ये जो 3% तक की मूव दिख रही है और बढ़ सकती है जय? तो ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क की बात करें तो थोड़ा मुझे लग रहा है सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ऊपर आया, तो थोड़ा अपसाइड लिमिटेड मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, अराउंड जस्ट काफी अपसाइड नहीं लग रहा, अराउंड 770 तक के यहाँ पर टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या इवन 2 दिन के लिए ट्रेड करना हो तो 770 का टारगेट लेके ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। बट ओवरऑल दूसरे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग अपसाइड लग रहे हैं, 40 से मार्क्सन्स फार्मा है, तो वहां पर एक व्यू रखना चाहिए। ग्लेनमार्क को अभी थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी, करने की सलाह रहेगी। लेकिन पिछले 15 मिनट में ठीक है, मार्क्सन्स फार्मा आप सजेस्ट कर रहे हैं इन लेवल्स पर, वो एक बेटर बेट दिख रही है यहाँ से। मिड कैप स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ मिनटों में, उसमें आपको रियल एस्टेट के कई काउंटर्स दिख रहे हैं, प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, एक बार इन पर भी एक व्यू ले लेते हैं। ये स्टॉक्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ में हैं, मोमेंटम में हैं, लेकिन पार्थिव से समझते हैं। पार्थिव, अभी तो बहुत बड़ी डिकेडल स्टोरी इनके लिए बाकी है, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस में जहाँ अच्छी वैल्यूएशन का कंफर्ट आपको आता हो, क्योंकि चले हैं ये पिछले 1-1.5 महीने में खूब, कौन सा रियल एस्टेट स्टॉक आप बेट करना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली रियल एस्टेट की स्टोरी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली है,
और जिस तरह की डिमांड हम देख रहे हैं, जिस तरह की इन्वेंट्री लेवल्स देख रहे हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में तो आगे जाते तेजी बरकरार लग रही है। होपिंग फॉर द फैक्ट कि अगर यील्ड्स कम होती है, हाउसिंग लोन्स और सस्ते होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा स्टिमुलस मिलेगा। डिस्पाइट दैट हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन पे इतना कोई बड़ा स्लो डाउन नहीं है, तो अभी भी हमें लग रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट से ज्यादा ऐसी कंपनीज जो रेसिडेंशियल पे फोकस कर रही है, वहां पे इन्वेस्टर्स को रडार पे रखना चाहिए। उसमें से हमें लग रहा है कि ओवरऑल रियलिटी जो आपने जिक्र किया, अभी भी आई थिंक इट इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पॉइंट। 23 के ट्रेल पी मल्टीपल पे है। ग्रोथ की बात करें तो इनका ग्रोथ मॉडल बहुत ही फैंटास्टिक है, काफी अच्छी रेंटल इनकम इनको मिलती है, जो रेंटल इनकम का जो कैश फ्लो रहता है जिससे वो अच्छी लैंड बैंक लेते हैं, अच्छे जॉइंट डेवलपमेंट वेंचर्स करते हैं, और उनके जो लोकेशन होते हैं, ब्रांड इक्विटी जिस तरह की स्ट्रांग है, जो भी नए प्रोजेक्ट वो लोग लॉन्च करते हैं तो उसमें शानदार उनको रिस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि उबर और रियल्टी जैसी कंपनी इन्वेस्टर्स को रडार पर रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी जो बहुत ही रीजनल स्पेसिफिक है, अभी रिलेटिवली साइज में काफी छोटी है, विच इज गणेश हाउसिंग, जो अहमदाबाद रियल एस्टेट पे फोकस्ड है। मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट हैज अ लॉन्ग वे टू गो, जिस तरह की कनेक्टिविटी है, जिस तरह का इंफ्रा है, तो यहाँ पे भी गणेश हाउसिंग के पास बहुत ही अच्छी लो कॉस्ट की लैंड बैंक है, तो ये लैंड बैंक को अगर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके डेवलप करते हैं तो शानदार वैल्यूएशन विद वेरी हाई मार्जिन डेवलप हो सकते। ठीक है, एक गणेश हाउसिंग आप बता रहे हैं और ब्रॉय पे भी आपने अपना टेक दे दिया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि मार्केट्स तो ठीक है, 180 पॉइंट अभी भी ऊपर ही है और करीब 550 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर टिका हुआ है। ऑप्शंस के ट्रेड समझ लेते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय पी भागवत आपको बताएंगे आज के चैंपियन। अक्षय जी बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज आप ओपनिंग ट्रेड्स में देखें तो आईटी सेक्टर ने एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे मेरा चॉइस है एचसीएल टेक, जो ऑप्शन के चैंपियन के लिए है। मुझे लग रहा है कि 1300 पार कर जाएगा एचसीएल टेक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो उसके चलते आपको एट द मनी कॉल बाय करनी है 1270 की, जो करीबन 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। इसका टारगेट आप बना के चले 32, एक्सटेंडेड टारगेट 38 और प्रीमियम पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस बनाए। एचसीएल टेक का लॉट साइज है 700, तो एब्सोल्यूट टारगेट और रिस्क में ये ट्रेड में देखूं तो 10,500 का टारगेट प्रॉफिट पोटेंशियल है और रिस्क ये ट्रेड में बनेगा आपका 4,900 का। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया। आज हम नोटिस कर ही रहे थे सुबह की आईटी कंपनीज आज रिबाउंड कर रहे हैं। आज एक्चुअली में आईटी और बैंक का कॉम्बो चल रहा है, कुछ हद तक आईटी कंपनीज है, कुछ बैंकिंग कंपनीज है, तो ये अच्छा साइन है। और आपने तुरंत एचसीएल टेक के एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दे दिया, ये अच्छा पॉइंट है। और आप 32 से 38 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, प्लेन वेनिला कॉल है, सीधा सीधा खरीदना है, कोई इधर उधर की हेजिंग वेजिंग नहीं करनी। आपको 10,500 रुपये आ जाएंगे और करीब 5,000 तक का नुकसान होगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो, जो आप 20 रुपये के अराउंड ले रहे हैं। 22-23 मिला ना सौदा पंच मत करना, 20 रुपये का लगा के रखो, आराम से दे जाएगा मार्केट आपको। अक्षय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये सब ट्रेड बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब करीब करीब 185 पॉइंट की जो बढ़त आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही है और निफ्टी के अंदर दिख रही है, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। एक और शेयर है लिस्ट में जहां पर आज वापस एक मोमेंटम दिख रहा है, वो है टीवीएस मोटर्स। एक बार जरा स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स वापस से दिखाएं। टीवीएस मोटर्स पे सोनी एक बार आपके रिकमेंडेशन, को ट्रेड बनता है या फिर अभी छोड़े एक दो दिन और कंसोलिडेट और पक्का हो जाने दें इसको? जी डेफिनेटली, टीवीएस मोटर्स में अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा था, यू नो 1650 के आसपास वो इसका एक छोटा इंट्राडे स्मॉल हर्डल फेस कर रहा है। ऐसा कुछ बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे ख्याल से क्रॉस करना चाहिए इसको, आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 1680-1700 टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए और डाउनसाइड में किसको स्टॉप लॉस के अनुसार अगर प्लेस करना है तो 1625-1630 का एक अच्छा सपोर्ट बैंड है, तो आप 1627 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एक और फर्टिलाइजर कंपनी में पता कर लेता हूँ। आज आपको लग रहा हो कि मैं बार बार फर्टिलाइजर कंपनीज क्यों पूछ रहा हूँ, असल में ना थोड़ा मोमेंटम मेरे को वहाँ पे दिख रहा है और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये एक सेगमेंट है, शायद अगले 1 से 2 दिन में अच्छा चल जाएगा। चंबल, NFL, RCF, ये तीनों पर तो ज़्यादा ध्यान रखना। RCF पता कर लिया, चंबल ऑलरेडी आपको पता ही है 330 तक जा सकता है। एक NFL और पता करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर के नाम से कंपनी होगी NFL, एक बार जरा वो स्क्रीन पर लेके आइए और जतिन आप जरा चेक करके बताएंगे NFL के बारे में, ये भी हरे निशान में आके थोड़ा और चल सकता है क्या?
देखिए NFL की अगर जो मैं थोड़ा लंबा समय का चार्ट देखूं तो 65 से लेके 85 का रेंज में ये पिछले 6 महीनों से ट्रेड कर रहा है। अराउंड लोअर एंड ऑफ दैट रेंज है, मेरे को लगता है कि ये 74 से लेके 76 तक का एक हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। इसके लिए NFL में लॉन्ग करके डेफिनेटली चला जा सकता है। मेरे को लगता है कि इसमें 66 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखने मिला है, तो 66 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ऊपर में 76 तक का एक पोटेंशियल पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है हमें। फर्टिलाइजर काउंटर पे ये मूवमेंट अच्छी दिख रही है आपको, लेकिन जिस तरह से इंडेक्स चल रहा है इंडेक्स पे भी एक कॉल लेनी बनती है सोनी, बैंक निफ्टी पे कोई कॉल लेंगी आप यहाँ से? कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली 44,100 का जो इसमें स्पॉट में एक रेजिस्टेंस था उसको आज गैप अप के तौर से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। करंट लेवल से अगर बाय करना है 44,800 के एक टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस आप छोटा प्लेस कर सकते हैं, 44,000 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। 44,800 टू 45,000 का एक यू नो रेंज बनेगा जहां पे आप इसको प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कीजिए। 45,000 के आसपास आए तो एक बार वेट एंड वॉच कीजिए। सो स्मॉल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक चांस बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गया स्मॉल ट्रेडर की बात, लेकिन आगे बढ़ते हैं, नतीजों का भी माहौल है, लास्ट एक पैच रह गए अर्निंग्स के, तो जीएमएम फॉडलर के नतीजों पर हम फोकस करते हैं। सेकेंड क्वार्टर में हमने देखा कि जीएमएम फॉडलर के नंबर्स आए हैं। हमारे साथ सीएफओ हैं मनीष पोद्दार, जो बात करने के लिए आए हैं। मनीष, पहले सेगमेंट्स और ज्योग्राफीज की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन कारोबार है वो केमिकल बिजनेस से आता है, राइट? और केमिकल्स ओवरऑल थोड़ा सा एक डाउन साइकिल में, तो असर आपको भी हो रहा होगा, लेकिन आप बताएं। राइट, थैंक यू अजय। सो क्वार्टर टू रिजल्ट्स हमारे काफी अच्छे रहे हैं। 15% का यू नो एबिटा मार्जिन रहा है, ग्रोथ भी वाईओवाई 20% का रहा है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों तरफ से। सो उस लिहाज से देखा जाए तो नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। जो आपने केमिकल सेक्टर की बात की, बिल्कुल, तो आई थिंक इसमें दो बातें हैं। पहला दैट चाइना प्लस वन और इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट्स हैं और ये डेफिनेटली देर हेयर टू स्टे। सो वो लॉन्ग टर्म फिलोसफी डेफिनेटली इंटैक्ट है। और सेकेंड चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों में वो काफी मोमेंटम हो गया था, काफी हीटअप हो गया था, तो उसके चलते अभी पिछले 3-4 महीने में, और हम सोचते हैं कि आगे अगले 6 से 9 महीनों में थोड़ा सा कूल डाउन वो रहेगा, और उसका असर हमारी ऑर्डर बुक पे आप देख रहे हैं। जैसे कि 2,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, अभी वो हम 1,700 करोड़ पे ऑर्डर बुक के हिसाब से हमारे लिए वो नंबर अभी भी काफी सफिशिएंट है। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो 8 से 9 महीने का बैकलॉग दर्शाता है, और इंडिया में के अंदर वो 5 से 6 महीने का तकरीबन बैकलॉग है। सो उस लिहाज से आई थिंक हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और ये जो स्लो डाउन बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से काफी एक टेम्पररी मोमेंटम है, क्योंकि केमिकल सेक्टर को एक प्राइस का चैलेंज पिछले 3-4 महीनों से आ रहा था। सो वो उसके चलते वो उनको वो एक हेयर एंड नाउ बैटल है जो कि फाइट करना है, जिससे कि उनको प्राइस सस्टेन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करनी है आज के नजरिए से। इसलिए जो लॉन्ग टर्म विजन है वो थोड़ा सा उनको फोकस में अभी नहीं है। सो एज सून एज दैट गेट्स सॉर्टेड आउट एंड सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, एंड डेफिनेटली केपेक्स का साइकिल फिर से रिवाइव हो जाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक लीड इंडिकेटर हैं केमिकल साइकिल के लिए, और किसी को भी इस बात का संदेह नहीं है कि इंडिया में केमिकल की स्ट्रक्चरल स्टोरी तो एकदम तेज है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री स्किल्स बहुत अच्छी हैं, रॉ मटेरियल और मैनेज अच्छा होता है, और लोग वाकई में हमारे साथ ज्यादा कारोबार करना चाहते हैं चाइना से निकल के। बट नियर टर्म में, क्योंकि सप्लाई ग्लट थी, प्राइस कट कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा बना रहा है चाइना, तो इश्यूज आ गए। लेकिन आप क्योंकि देश की टॉप केमिकल कंपनी के साथ काम करते हैं, मैं खुद बहुत केमिकल कंपनी में गया जहां मुझे जीएम फॉडलर के बॉयलर्स नजर आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए साहब हमारी कंपनी जर्मन कंपनी से फाइट करके। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस साइकिल के कौन से फेज में हैं हम? आपको लगता है 50% ऑफ वर्स्ट हो चुका है, या अभी भी आगे 70-75% टनल बाकी है डाउन साइकिल की, या आप कह सकते हैं कि 75% वर्स्ट हो गया है, थोड़ा डाउन साइकिल और चल सकता है 20-25% वहां से रिकवरी, क्योंकि आपसे कॉन्वर्सेशंस तो सारी कंपनीज करती होंगी अपने 2 से 4 साल आगे की। सो आई थिंक ये क्वांटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है, बट ब्रॉडली
हमें लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक या मे बी मैक्सिमम Q1 तक ये मोमेंटम वापस आ जाना चाहिए। तो 6 से 9 महीने का एक पीरियड हम सोचते हैं कि जहां पे कि डिसीजन मेकिंग प्राइमरली थोड़ी सी डिले हो गई है, जो केपेक्स आपको लगता था कि अगस्त सितंबर में अप्रूव हो जाएगा वो शायद अभी नवंबर दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया है। सो वो एक 3-4-6 महीने का एक पीरियड है जहां के भी की ये चीजें एक्सटेंड हुई हैं, बट आई थिंक हाँ 6 से 9 महीने के अंदर ये सब चीजें इंप्रूव हो जानी चाहिए एंड देन वी शुड बी बैक टू नॉर्मल। 3 क्वार्टर में चीजें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, ये आप हमें यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि पटेल फैमिली जो है एडिशनल 1% स्टेक खरीदने वाली है JMM फॉडलर से, फॉडलर इंक से, एक बार इस ट्रांजेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप हमें बताएं। श्योर। सो जैसा कि आप जानते हैं सितंबर 20 से हम शुरू करें तो सितंबर 20 के अंदर DBAG हैड समथिंग लाइक 50% एंड पटेल फैमिली हैड समथिंग लाइक 25%। सो 75% ये दोनों प्रमोटर शेयर होल्डिंग होता था एंड DBAG बीइंग अ प्राइवेट इक्विटी हैज बीन इन आवर बिजनेस फॉर 2014 से वो इस इंडस्ट्री में थे हमारे साथ। सो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिट किया and over a period of time now Patel family wants to increase, now currently their holding is 24% aur wo ab 1% interse promoter shareholding increase karke 25.2% pe aa jayenge। The pricing will be 1700 jo ki December 22 ka jo ऑफलोडिंग किया था DBAG ने वो प्राइस पे वो वापस एक्विजिशन कर ले करके 1% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। टिल दैट टाइम्स दिसंबर से अब तक कुछ एक रेगुलेटरी अप्रूवल्स की वेट हो रही थी, कुछ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस थे जो कि अब सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं और सो हम समझते हैं कि विद इन नवंबर और मे बी 2-3 वीक्स फ्रॉम नाउ ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मनीष जी, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, अभी आप कैपेक्स की बात बोल रहे हैं कि थोड़ा डिले हुआ, ये एक्चुअली में कैपेक्स है कितना, कितना करना चाहते हैं? सो नहीं, केपेक्स केमिकल इंडस्ट्री का डिले हुआ है, हमारा तो केपेक्स आई थिंक अगर आप हमारे केपेक्स की बात करें तो हमने एक तो पिछले 3 सालों में काफी केपेक्स कर लिया है ब्राजील, इटली और जर्मनी के अंदर नए प्लांट्स लग चुके हैं, चाइना के अंदर नए प्लांट लग चुके हैं, ब्राजील में नया फर्नेस लग चुका है, US में नया फर्नेस रिवैम्प हो चुका है, हमने वतवा फैसिलिटी इंडिया के अंदर नया एक्वायर कर लिया था और करमसाद के अंदर भी फैसिलिटी नई के अंदर फर्नेस एक्विजिशन हो गया था। सो केपेक्स हमारे पास तो पूरा है, मैं केमिकल के केपेक्स की बात कर रहा था कि जो कि हमारा अभी जो 1700 करोड़ का बैकलॉग है वो कंफर्टेबल है और आगे हम इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। राइट, ऑल राइट बुधा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो JMM फॉडलर, थैंक यू, बहुत ही शानदार प्रीमियम कंपनी, कैपिटल गुड्स, केमिकल स्पेस के कैपिटल गुड्स के कारोबार में है और इनकी कमेंट्री में आपको मालूम चलेगा कि केमिकल साइकिल कहाँ पे है। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि डाउन साइकिल के बावजूद उन्होंने अपना कैपेक्स कम नहीं किया है, लेकिन हाँ क्लाइंट्स ने जो है इनके कहीं ना कहीं थोड़ा कैपेक्स कम किया हुआ है, बट उन्हें लगता है 6 महीने में चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। जय पटेल, ये बताइए कि कुछ केमिकल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, SRF, 6 महीने बाद अगर चीज़ें वाकई में रिकवर होंगी, इंडस्ट्री लीडर कह रहे हैं, तो स्टॉक उसके पहले रिकवर होगा। SRF को देखिए, 4 साल का ग्राफ लेके आइए और अभी देखिए क्या इस भाव में आपको दम लगता है। इवन ये स्टॉक में SRF की बात करता हूँ, मंथली या इवन वीकली चार्ट पर भी देखे तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है, ज्यादा कुछ ये स्टॉक ने अपसाइड डाउनसाइड कुछ दिखाया नहीं है, रेंज बाउंड है, तो यहाँ से डेफिनेटली केमिकल सेक्टर में मुझे लगता है रिबाउंड आने वाला है 1-2 साल में, आई गेस इट वुड बी अ बूमिंग सेक्टर। सो केमिकल में अगर बाय करना तो SRF ये सब स्टॉक्स काफी अभी एक्यूमुलेट स्लोली स्टेडीली करने चाहिए, एक साथ तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बट थोड़ा थोड़ा करके ये स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए ये भाव पर, और कोई भी डिप मिले तो ऐड डेफिनेटली करना चाहिए। कंटिन्यूसली ये स्टॉक 100-day मूविंग एवरेज को वीकली चार्ट पर सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं लग रहा। यहाँ से ब्रेकआउट आएगा अराउंड 2400 का, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वापिस से हम 2865 के लेवल्स आते हुए देख सकेंगे। सो SRF वुड बी अ बाय ऑन डिप्स और एक्युमुलेशन अभी के भाव से डेफिनेटली कर सकते।
ये अनंतराज इंडस्ट्रीज 255 पे आ गया है, 2.5%। अभी कुछ पिछले हफ्ते 500 करोड़ रेज करने की बात हुई थी QIP से। जरा इसके चार्ट्स देखिए, बताइए क्या ये नया मूव बन रहा है इसमें? सोनी आपको आवाज आ रही है? जी अजय जी, यहाँ से अगर करंट लेवल से देखेंगे तो अभी भी अप ट्रेंड मूव ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट डे लो का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 248, और फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ यहाँ से दोबारा एक और अप ट्रेंड लग रहा है 260-265 लेवल्स फॉर इंट्राडे। एंड पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टाइम फ्रेम के लिए 280 के लिए टारगेट्स के लिए अच्छा लग रहा है। ये जो आप साथ में तस्वीरें देख पा रहे हैं ना, ये आस्क ऑटो की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, और 10 बजे आप लिस्टिंग बेल भी बजते हुए देखेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा और गाइड ले लेंगे कि एक्सपर्ट से कि इसमें हमको भी क्या करना चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बैक टू बैक साथ में दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक और शेयर्स भी जरा चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज स्ट्रेंथ है। एक्चुअली मैं आज एम्फेसिस, मैं दूसरी बार आपको नोटिस करा रहा हूँ, ये शेयर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जय ने भी ऑलरेडी बताया था कि एक लेवल पार होने के बाद ये शेयर चल सकता है। इसी तरह से एक दूसरा शेयर और है जो कि जतिन की लिस्ट में था, JSW स्टील। एक बार इस पर जतिन आप हैं तो एक बार जरा आप गाइड करेंगे, JSW स्टील आपने आज की, ओ ठीक है जय, आप जरा बताइएगा, जतिन का ही शेयर है JSW स्टील। सो JSW स्टील, एक सेकेंड ना, सो डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी ये आज के दिन में गैप अप ओपनिंग के बाद काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है, पर्टिकुलरली 100 डे को क्रॉस करके इवन जो छोटी मझोली मूविंग एवरेज है 5 डे 21 डे उसके ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, तो मुझे अभी भी अपसाइड आते हुए दिख रहा है। अराउंड 795 वुड बी एन आइडियल टारगेट, आज या कल के दिन में हम आते हुए ये स्टॉक पर दिख सकते हैं। एंड ऑल्सो डिम्पी जी, मेरा जो मैंने आज स्टॉक दिया था वेल्सपन इंडिया, वो ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने का है, 1-2 रुपए रह गए यहाँ से, बट 4.5% का अपसाइड आज के दिन में दिखा दिया ये स्टॉक ने। मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे आते हुए थे ये स्टॉक में डेफिनेटली टारगेट हिट हो जाएंगे। सो किसी को एड करना हो तो डेफिनेटली वेल्सपन इंडिया को एड कर सकते हैं, और थोड़ा 1-2 वीक के लिए ये स्टॉक को कैरी ऑन कर सकते। ठीक है, मैं अगला स्टॉक खैर यही बताने ही वाला था आपका, आपने खुद से अच्छे से नोटिस करवा दिया सर, वेल्सपन इंडिया। और आज हमको सुबह लग ही रहा था कि ये शेयर अपने टारगेट को ज़रूर हिट कर जाएगा, क्योंकि इसका प्रीवियस डे मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग था, तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर रहा था जो आज आपने सुबह हमको नोटिस भी कराया। एक और शेयर भी है मेरे लिस्ट में, वो है यूनियन बैंक। क्या ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है सोनी? ये बहुत अच्छे का मतलब होता है कि कम से कम 20-25% का रिटर्न, हाँ अगर ये दे सकते तो फिर आते हैं, ये 2-5% के स्विंग के लिए नहीं आएंगे यूनियन बैंक में। ये डेफिनेटली इसके लिए मंथली चार्ट्स में जो नजर आ रहा है काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो ओवरऑल एक पोजिशनल टारगेट बन रहा है 137-140 टारगेट्स यहाँ से बन रहा है। सो ये पोजिशनल प्ले रहेगा ऑलमोस्ट 6-8 मंथ्स टाइम फ्रेम के लिए, एंड 140 का आप एक ओवरऑल टारगेट ले सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा अक्यूमुलेट करना है तो करंट लेवल से लेके 109 इस लेवल तक आप इस रेंज में आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड 100 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो आप 100 स्टॉप लॉस इसको मेंटेन कीजिए। ठीक है डन, इसका मतलब आपने हाँ कह दिया है, इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी और थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए भी पैसा बना सकते हैं, तो यूनियन बैंक को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा।